ओके, गुड इवनिंग बच्चों सभी को। मैं प्रॉपर ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ। स्क्रीन क्लियर है आप सभी को और आवाज़ प्रॉपर आ रही है? तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। साउंड स्लो है। ओके, ठीक करते हैं। अभी प्रॉपर होगा आपको वॉइस। एक सेकेंड बेटा। अब आपको मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ बेटा, विजिबल हो जाऊंगी, ऑडिबल हूँ कि नहीं? यस, ओके। नहीं, मैं तो हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी, है ना? चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलो तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना, नए साल की बहुत बहुत बधाई। मैं आपको ये बोल रही थी, जिसमें आवाज नहीं आ रही थी, मैं ये बोल रही थी कि नए साल पे बेटा बहुत सारे बच्चे, मैं भी आप भी हर एक इंसान बहुत सारे दृढ़ निश्चय करते हैं ना, बोलते हैं ना रेजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन लेते हैं हम, ये कर देंगे वो कर देंगे कर देंगे, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं सारी चीजें ठंडी पड़ती जाती है। तो आपसे ये विनम्र निवेदन है, आपने जो चीजें सोची हो अपनी लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग, अपनी पढ़ाई जो सबसे प्रियोरिटी है, स्टूडेंट हो ना, लाइबिलिटी यही है आपकी, आपकी पढ़ाई। तो ये जो आपने डिसाइड किया है नए साल पे हम ऐसे करेंगे, अपना साल इस तरह से बिताएंगे, तो वैसा ही रखना। और उम्मीद है आपने अच्छी चीजें ही सोची होगी, है ना? तो सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर, आपको आपकी फैमिली को। तो चले आप, चलो
देखो बेटा यहाँ से पूरी तरह से सही। आप एक बार अपना चेक करो अपने फोन का वॉइस, ठीक है, लो वॉइस। बाकी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार फिक्स करूँ इसको। क्या मेरी आवाज़? चलो काफी बच्चे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, तो एक बार रुको मुझे फिक्स करती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। आवाज क्लियर है ना? तो एक बार जैन अपना फोन चेक करें, आपके शायद आपके उधर से कोई प्रॉब्लम है ना? बाकी मैं एक बार बोल देती हूँ। सर एक बार वाईटी क्लास पे चेक करिए कि सर एक बार वाईटी क्लास चल रही है उस पर चेक करिए, वॉइस की वॉइस सही से आ रही है क्या? लो तो नहीं है? हाँ ठीक। चलो ओके है आप। बाकी मैंने उनको बोल दिया बेटा, वो चेक कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होगी तो वो फिक्स कर देंगे, है ना? चलो तो पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बातें करते हैं भाई। नया साल कैसा रहा आपका, है ना? प्रीवियस जो आपकी जो भैया साल बीता है, मुझे उम्मीद है कि उसमें आपने जम के तैयारी करी होगी, और जो तैयारी और जो मेहनत आपने उस टाइम करी है वही रंग लाने वाली है आपकी फरवरी में। अभी जो टाइम चल रहा है आपका जनवरी का, जनवरी चल रहा है ना, तो जनवरी का जो वक्त है वो प्योरली आपका रिविजन का टाइम होता है ना। किसका टाइम होता है? रिविजन का। आपने जो भी पढ़ा है साल भर, जितनी भी मेहनत करी है भाई, इतनी गर्मी में, तब तो गर्मी थी ना, धूप में स्कूल गए हो, स्कूल से आए हो, फिर ट्यूशंस गए हो, वहां पर पढ़ाई करी है, खुद से सेल्फ स्टडी करी है, रात रात जग के जो आपने इतनी मेहनत करी है, और मुझे पता है हर एक बच्चे ने करी होगी, उसका जो फल है वो आपको मिलेगा फरवरी में। लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, जो ये आपका जनवरी बचा हुआ है, इस जनवरी में आपको जम के रिविजन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई आपने जो आपके टोटल कितने 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर कट आउट हुए हैं, बचे हैं आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स। 13 चैप्टर्स में कितना ज्यादा आप अपनी रिविजन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा ही आपके मार्क्स सिक्योर होते जाएंगे। पढ़ तो सब बच्चे ही रहे हैं, हर एक बच्चा पढ़ रहा है बोर्ड्स के लिए। आप क्या कर रहे हो नया, और आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, किस यूनिक पैटर्न में आप चीजों को समझ रहे हो, और एग्जाम टाइम तक या आगे तक भी आप ध्यान रख रहे हो, यही मैटर करता है आपके मार्क्स। और इससे भी ज्यादा चीजें जो होती है ना, कि भाई आपने पढ़ तो लिया, थ्योरी आपको भी पता है, आपके दोस्त को भी पता है, ठीक है, मुझे भी पता है, टीचर को भी पता है, चीजें आप किस तरह से एग्जाम की जो कॉपी होती है आपकी, उसमें किस तरह से, किस सफाई से चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, ये भी मैटर करता है। उसके लिए आपको करने पड़ेगी प्रैक्टिस, और आपको करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? और इसी टाइम, जो ये जो टाइम होता है ना, इसी टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो अभी तक ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, या जो कम टाइम होता है इसको देख के हमेशा परेशान हो जाते हैं कि भाई इतने कम टाइम है, सिर्फ जनवरी का है। कोई बच्चा मान लो दिसंबर में जगा है कि चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, तो कैसे करेगा वो भाई, है ना? या जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, फिर भी जो जो आपकी पढ़ाई होती है ना, उसमें भी बच्चों को हमेशा ये डर रहता है कि हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं घट ना जाए, या कुछ भी ऐसा ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। तो एक डिसिप्लिन, एक जो आपकी कंसिस्टेंट रखनी है पढ़ाई को, इसके लिए ही आपके लिए हमारी टीम ने स्टार्ट करी थी बेटा बैच, दैट इज थी क्या है, स्टार्ट करी है बैच, दैट इज 0 to 0, जिसमें आपको विद इन 45 डेज, क्या बोल रही मैं, विद इन 45 डेज आपको सारा का सारा बायोलॉजी की मैं आपको पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री में आपको अभिषेक सर है, फिजिक्स में आपको सचिन सर है, कंप्लीट कोर्स कराने के लिए विद इन 45 डेज। और ये जो 45 डेज है, इसमें सिर्फ आपकी ये कंटेंट नहीं होगा, मतलब सिर्फ चैप्टर्स ही कवर नहीं होंगे, इसके साथ साथ सैम्पल पेपर, मैंने अभी जस्ट आपको ये बात करी कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आंसर, ये भी मैटर करता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो तभी परफेक्ट आप कर पाओगे जब आप सैम्पल पेपर्स की, पीवाईक्यूज की,
टॉपिक वाइज क्वेश्चन की किस तरह से लिखना है, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे जो हम आपको कराएंगे। तो आउट ऑफ 45 डेज ये जो प्लान है मेरा, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया था, बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो हमारे साथ इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका जो विदिन 35 डेज मान लो या 30 डेज मान लो, जो थ्योरी है वो ए टू जेड थ्योरी टॉपिक वाइज क्लियर कराती हूँ मैं। मेरी बात करती हूँ बायोलॉजी की, सेम सचिन सर अभिषेक सर भी इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। और आपके जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम PYQs की, सैम्पल पेपर्स की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पर क्लास, जो भी क्लास आपकी चलती है उसमें भी बेटा टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से अगर हम सिलेक्टिव स्टडी और एक टॉपिक वाइज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना भी आएगा हमको और हमारा जो कंटेंट है वो भी कवर होगा, PYQs भी होंगे, और सिर्फ 45 डेज। और अभी आपके पास टाइम है, समझ में आया? और देखो न्यू ईयर आया है तो कुछ ना कुछ आपके लिए ऑफर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ सरप्राइज तो हम लेके ही आएंगे। तो ये जो हमारा बैच है बेटा, इस पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। आपको करना क्या है, कूपन कोड लगा देना है। भाई कहाँ लगाओगे? आप Class24 ऐप डाउनलोड करोगे, साइन इन करोगे, आईडी वाईडी जो भी मांगेगा, साइन इन करोगे, बैच सेलेक्ट करोगे, आपका जैसे 6 से 12 कैटेगरी है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज दिखेगा। यहाँ पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर कूपन कोड लगाना और आपकी जो 50% ऑफ आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी होती है तो ये नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम ए टू जेड, आप यहाँ कॉल करो और पूछ लो कि भाई ये समस्या है। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आप अपनी पढ़ाई करोगे, जो बच्चे परेशान हैं वो भी करेंगे और बाकी भी। अब एक बार मुझे बता दो, आवाज अब प्रॉपर आ रही है? क्योंकि ये मैंने फिक्स करा दिया, जो सारे बच्चे हैं और जिनको प्रॉब्लम थी। जैन आपको आवाज क्लियर आ रही है? कहाँ गया बच्चा? चलो भाई सबको क्लियर आ रही है तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है, वेट करो बेटा। दीपें क्या नाम है, दीपंकर, थोड़ा सा रुके। हैव सम डायरोलॉजी आल्सो, हर क्या बुलवाते हो यार तुम लोग ये बात। मैम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस अभी नहीं पढ़ा है तो ये वाला चैप्टर समझ में आएगा? अरे भाई क्यों नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ के आ जाना, ये सुन लो, ये आ जाएगा समझ में, लेकिन और अच्छे से समझ में आता, फील कर पाते इस बायोलॉजी को जब वो चैप्टर भी पढ़ते, और वो भी कब फील कर पाते, जब मोल बायो पढ़ते। समझ पा रहे हो ना? तो तीनों चैप्टर आपस में, जब मैंने मोल बायो स्टार्ट किया था तो आपको मैंने अलर्ट दे दिया था कि भाई ये चैप्टर और आगे दो चैप्टर रिलेटेड है। अब अगर नहीं देखा है तो ये पढ़ लो, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके उन दोनों चैप्टर्स को भी कवर कर लेना। ठीक है, एक बच्ची है, क्या नाम है, स्मृति त्रिवेदी, क्या बोल रहे हो बेटा मैंने देखा नहीं, इतने सारे कमेंट्स होते हैं वो स्क्रॉल हो जाता है, आप दोबारा बोल दो। अच्छा तो एक बार और देखना, नोट्स को पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ना, फिर मुझसे पूछना। मैंने आपको बोला भी, आपको जो भी डाउट आता है आप अपने उसी लेक्चर के नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है ना, वो क्यों होता है, वो इसलिए तो होता है, वहां पर कमेंट कर दिया करो कि मैम ये प्रॉब्लम है। अगर जो बच्चे में हमारे साथ मेरे साथ जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो जुड़े हैं, उन्होंने देखा होगा मैम आंसर देती है। ठीक है, तो आप वहां पर पूछ लेना जो चीज पूछनी है। और भाई डाउट जो आपके सॉल्व नहीं होते, जैसे बच्चे बोले मैम डाउट था, मैम चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, तो ये डाउट यही क्लियर होता है जब आप हमसे पर्सनली जुड़ते हो ना, तब डाउट क्लियर होता है। तो इसी पर्सनल टच के लिए ही बैचेस होती हैं जिसको आपको ज्वाइन करना पड़ता है पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। समझ पा रहे? बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता चीजों में। ठीक है चलो भाई अब स्टार्ट करें, आ जाओ। डेली नहीं होती बेटा मेरी क्लास, मेरी क्लास होती है एवरी ट्यूसडे टू एवरी फ्राइडे, ट्यूसडे फ्राइडे होती है 6 बजे, शाम को 6 बजे। ठीक है, टाइम फिक्स है, दिन भी फिक्स है, आप भी फिक्स रहो बस। चलो तो एप्लीकेशन प्रोसेस है भाई, बायोटेक हम पढ़ के आ चुके हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ना क्या है हमको आगे, एप्लीकेशन के भाई इसका एप्लीकेशन है क्या आगे। तो देखो एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मैंने आपको ये जो नोट्स आपको डिस्प्ले हो रही है ना, इसको मान के चलना एज अ शॉर्ट नोट। आपकी एनसीईआरटी में लास्ट के पॉइंट देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल देखो, बायोपायरेसी देखो, ये सारी चीजें दिखती है ना, थ्योरी थ्योरी लिखी हुई है, समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता है ना, हैवी इंग्लिश है। आपको जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा रही हूँ, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, ये कंप्लीट आपकी इस चैप्टर की मान के चलना शॉर्ट नोट्स है। अगर इन पॉइंट्स को आप जो मैं समझा रही हूँ उस तरह से ध्यान रखोगे
तो ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। समझ में आया? ठीक है बेटा, ठीक है। चलो देखो देखो, आपकी पहले तो समझ लो है क्या। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आप पहले भी जान चुके हो कि भाई बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी जो आप देखते हो आजकल इतनी सारी एडवांस चीजें टेक्निक्स का यूज करके, तो हम कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कैसे हम बायो को एक टेक्निक्स के थ्रू यूज करके ह्यूमन वेलफेयर में लगा रहे हैं, यही है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल्स, देयर पार्ट्स, देयर मॉलिक्यूलर एनालॉजीज, इन सारे मॉलिक्यूलर एनालॉजीज मतलब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फैट, इन सारी चीजों को भी हम यूज करते हैं फॉर द शेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी हैज अ वाइड रेंज एप्लीकेशन सच एज बायो फार्मास्यूटिकल्स, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस, फूड बायो रिमेडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत सारी चीजें लिख दी भाई। बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहां बायोटेक का यूज होता है, अप्लाइड बायोटेक होती है। लेकिन आपको क्या बोला गया है, जैसे अब लगभग चीजें आप इसमें से पढ़े, सच एज बायो फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां बनती है। हमने इंसुलिन, हमने आरडीटी पढ़ा था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था बच्चा, बताओ क्या पढ़ा था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने इंसुलिन, मैंने आपको बताया था प्रोटीन बन रहा है, मैंने आपको बताया था कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बोला था ना। अब कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोटीन बन रहा है, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था इंसुलिन, और ये भी बोला था कि इंसुलिन क्यों बोल रही हूँ ये आपको मैं आगे बताऊंगी इस चैप्टर में, है ना। तो वहां पर एक प्रोडक्ट था इंसुलिन, इंसुलिन इज अ मेडिसिन ना, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी लेते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में भी लेते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन बनती है। क्लियर? यस बेटा, इट इज ऑल्सो इन, लेकिन उसके लिए थोड़ा से और कुछ 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 जगह पर चीजें और भी पढ़नी पड़ती है। बाकी जैसे बच्चे बोला नीट के लिए, तो नीट में भी टोटली मतलब आपका 98%, 95, 96%, 95 to 98% आपका एनसीईआरटी ही आता है। तो एनसीईआरटी बेस ही सीबीएसई पढ़ते हैं हम, तो उसके लिए भी है। लेकिन बाकी कुछ चीजें जो हमें और देखनी पड़ती है, वो नीट की बैच चल रही है आपकी, प्रहार 2.0 चल रही है, वहां पर भी आपको ऑफर चल रहा है, सेम ऑफर, ठीक है। वो आप कॉल करोगे तो दिख जाएगा, तो आप वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो बायोफार्मास्यूटिकल्स, और दूसरा आपका क्या लिखा है बेटा, थेरापेटिक्स। क्या लिखा है? थेरापेटिक्स ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक, हम डायग्नोसिस करते हैं ना, डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये ही पढ़ना है हमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ के बारे में पढ़ना है। तो हम एग्रीकल्चर में कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीन में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम वहां पर आरडीएनए बना रहे थे, वो एक मॉडिफाइड डीएनए ही तो था, सेम यहाँ पर हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन में, आपकी डायग्नोस्टिक में, आपका एग्रीकल्चर में, यही है। तीन जगह पढ़ना है, एक तो एग्रीकल्चर में कैसे अप्लाई कर रहे हो, एक आपका मेडिसिन कैसे बन रही है, एक आपका थेरेपी कैसे हो रही है, और एक आपका डायग्नोसिस टेक्निक में कैसे हम बायोटेक को अप्लाई करते हैं। यही आपको चार चीजें करनी है इस चैप्टर में, और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। समझ में आया? वो चैप्टर भी मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया था कि सारी चीजें एक ही डायग्राम से क्लियर करी थी, फिर फर्दर चैप्टर किया था। यहाँ पर भी आप वैसी ही चीजें देखोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला, आप बायोटेक जो पढ़ रहे हो, बायोटेक कहाँ कहाँ पढ़ोगे, बायो टेक्नोलॉजी, एक तो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बेटा आपको, मेडिसिन में, कि भाई मेडिसिन में क्या इसका एप्लीकेशन है। एक आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर में, हम स्टार्ट करेंगे बेटा एग्रीकल्चर से, ठीक है। एक आप पढ़ोगे थेरेपी, और एक आप पढ़ोगे डायग्नोस्टिक टेक्निक, डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। समझ में आया? इसी के लिए, इसी को समझने के लिए हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और लास्ट में कुछ टॉपिक्स हैं इन्हीं सब के रिगार्डिंग, वो हमें देखना है। बस चैप्टर खत्म, इतने में ही चैप्टर खत्म। अभी देखना कैसे 2 घंटे में चैप्टर आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, लेकिन ध्यान रखना, बने रहना, ठीक है। चलो आ जाओ इधर देखो। अब बायोटेक्नोलॉजी हैज थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया, तीन रिसर्च एरिया मतलब तीन कंसर्न है इनका। पहला अगर मैं बात करूं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए,
चाहिए कि नहीं चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, हम जब RDT पढ़ रहे थे, चैप्टर रिलेट होगा, जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA पढ़ रहे थे, तब हमने वहां बात करी थी डिजायरेबल DNA की। बेटा किसकी बात करी थी? जीन ऑफ इंटरेस्ट, पैसेंजर DNA, डिजायरेबल DNA, बोला था ना ये तीन चार नाम, जिसमें जो कैपेबल है फर्दर आगे जाके कोई ना कोई प्रोटीन, डिजायरेबल प्रोटीन मिले हमें जहां से, ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करी थी। उसी के DNA को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, हमने डिजायरेबल DNA बोल दिया था उसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला था, तो है तो वो एक डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म ही ना, जिसमें वो प्रोटेक्ट बन रहा है ना, ऐसी बात। तो हमें वो किसकी जरूरत है? उस डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो देखो इधर। तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, क्लियर। दूसरा क्या है आपका? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स होते हैं ना ये आपके मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब होता है कोई चीज कितनी तेजी और धीरे से चलती है। रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट हम जनरली अगर बात करें तो हम जब रेट की बात करते हैं तो रिएक्शन में चीजें बढ़ाते ही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों हो सकता है। और कैटलिस्ट देख लो या एंजाइम्स देख लो, ये स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक pH पे, हर एक चीज पे, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही एक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भी चीज हमने चूज करी उसको एक स्पेसिफिक या मॉडरेट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जो उसके लिए सुटेबल। यही चीजें हम वहां पर भी देख रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी है। समझ में आया? चलो ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या करोगे फर्दर? आप डाउन स्ट्रीमिंग करोगे ना, जहां पर हमने देखा था हमें चलो प्रोडक्ट मिल गया, हम फर्दर उसकी प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, ये सारी चीजें भी तो करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। शिनचैन बेटा समझने पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है ना? इतना बोलना शायद मेरे लिए काफी है आपके लिए, तो समझने पर अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। इंटेंशन ये रखो कि हम यहाँ समझने बैठ रहे हैं। तो आप बेटा NCERT खोल लो, अपनी एक नोट्स खोल लो, जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो, मार्क कर लो। चैप्टर बहुत आसान है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तुमको तो तुम बाकी टफ चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे? तो कोशिश ये करो, ये जो मैसेज है ये करना रोको, डाउट पूछो, और नहीं समझ में आता, जो नहीं समझ में आता वो पूछो, ठीक है, समझ में आएगा। इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, पिछले टॉपिक पे बेस्ड चैप्टर है। चलो नेक्स्ट देखें, ठीक है। तो यही पढ़ना हमको, क्या पढ़ना है शिनचैन? पढ़ना है आपको मेडिसिन, नाम कितना प्यारा है बच्चे का, है ना, एग्रीकल्चर थेरेपी डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले ये कर कौन रहा है, कर कैसे रहे हैं, हम पहले इसको देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन आपको क्या है NCERT के अकॉर्डिंग किस पैटर्न में लिखा है? थ्री ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फ्रूट प्रोडक्शन। देखो पहले थोड़ी सी कहानी सुनो, जब आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये ऊपर जब आप पहला पन्ना देखोगे वहां डेफिनेशन लिखी है एप्लीकेशन। NCERT का दूसरा पन्ना खोलो, टॉप वाले जो फर्स्ट और जो सेकेंड पैरा है आपको वहां देखने मिलेगा वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग, रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको चीजें मिलेगी। दिख गई सब बच्चों को? चलो ठीक है। तो वहां आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो बहुत सारी चीजें क्या होती गई? कम होती गई, हमारे फूड में कमी होती गई। और अगर वैसे भी आप देखो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लैंड कम होती चली जा रही है। जब लैंड कम हो रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें क्रॉप को ग्रो कराने के लिए लैंड ही तो चाहिए। तो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन और रिसोर्स उतने नहीं है उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, इसीलिए अलग अलग रेवोल्यूशन चला था। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था आपने, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए देखा था, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब सोशल में पढ़ते थे हम जब छोटे थे, है ना, देखा था। तो ये जो रेवोल्यूशन है यहाँ साइंस की मदद से हमने इंक्रीज किया फूड प्रोडक्शन में, एक क्वालिटी भी इंक्रीज करी। ऐसा नहीं कि हमने, अगर हमें वीट मान लो वीट की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, हमने उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान दिया, हमने क्वालिटी भी इनरिच करी। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपकी NCERT में, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, देखो क्या है ये, ध्यान देना इधर। एग्रो, पहला पॉइंट क्या था आपका? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। पहला क्या था कि हमने एग्रोकेमिकल बेस्ड, मतलब जो आपके केमिकल्स हैं एग्रीकल्चर में, केमिकल के बेस्ड हम कर रहे थे ना, हमने क्या यूज कर दिया था? कीड़े लग रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड यूज कर दिया,
पेस्टिसाइड यूज करा, वीडिसाइड यूज करा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, आपका क्या यूज कर दिया था, फर्टिलाइजर्स यूज करने करे थे। क्यों कर रहे थे ये सारी चीजें, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे। समझ में आया? तो एग्रीकल्चर में हमने केमिकल बेस्ड जो ये पर्सनल जो आते नहीं है जहां से शॉपिंग होती है, मार्ट जिसको बोलते हैं ऑनलाइन मार्ट, उसमें अगर आप देखो तो एक जो आपका सेक्टर होगा वेजिटेबल का और एक होगा वहां थोड़ी सेम है, सेम चीज है, थोड़ी महंगी होगी। लिखा होगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फ्रूट जूसेस थोड़े से महंगे होंगे। क्यों? ऑर्गेनिक में हम ये मान के चलते हैं कि वहां केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स उतने नहीं यूज हो रहे जितने बाकी जगह पे हो रहे, हमें प्योर चीजें मिल रही है, ऐसा वहां पर प्राइस बढ़ा के लिख देते हैं। वो कितनी सच है कितनी हमें नहीं पता। आज के टाइम पर जो फाइनेंशियली अच्छे हैं ना, जो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा फार्म लेते हैं, जमीन लेते हैं और खुद की खेती वहां कराते हैं, उसको खाते हैं। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि स्विच कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब से कोरोना आया तब से तो ये और ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम कंपोस्ट यूज करते हैं, हम मैन्यूअर यूज करते हैं, हम ये केमिकल्स नहीं यूज करते। समझ में आ रहा है ना? ऐसे बायोगैस कैसे बन रही थी, गोबर गैस से तो बन रही थी, डंग केक्स उसको यूज कर रहे हैं। आपके घर में देखते हो जो छिलके निकलते हैं, है ना, वो उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज करने की पावर होती है, उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से अब ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल है भाई, है तो ऑर्गेनिक है तो सही बात है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हमें फास्ट भी करना है, क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, और एक टाइम कम में भी चाहिए कि हमें टाइम कम लगे, कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाए एक बेटर क्वालिटी के साथ। इसीलिए जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की, जो एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट से बता रही हूँ मैं, ऐसे सेम मेडिसिन में भी होता है। समझ में आया? अभी मैं ये बता रही हूँ कि चैप्टर पढ़ने का कंसर्न क्या है, एग्रीकल्चर में बायोटेक यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो तीन चार पैरा है ना, जीएमओ के ऊपर के पैरा, आपको वहां ये सारी चीजें देखने मिलेगी, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चल क्लियर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तीन ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम केमिकल बेस्ड लेते, ये भी हो रहा है, ऑर्गेनिक भी हो रहा है, और एक यहाँ पर क्या इसका जो कंसर्न होता है, यहाँ क्या हो जाता है, कम टाइम में बेटा, कम टाइम में हम बेटर यील्ड भी कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी, इंक्रीज इनहेंस इन द क्वालिटी, इंक्रीज बेटर क्वालिटी भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? बाय जीएमओ। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जो क्रॉप है, जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब, जेनेटिकली मतलब जीन से आया है, जीन हो गया। इंजीनियर, इंजीनियर का काम क्या होता है भाई, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ के एक नई चीज बना देना, क्रिएटिव माइंडसेट, पहले भी बताया मैंने आपको ये। तो हम जीन में मैनिपुलेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, पेस्टिंग करते हैं, कोई चीज ऐड कर देंगे, कोई चीज डिलीट कर देंगे, किसी और की कोई अच्छी चीज हो वो ऐड कर देंगे, एक तरह से जीन मैनिपुलेशन हो रहा है, जीन इन इंजीनियरिंग हो रही है, इसको बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। एक बायो का सेक्टर होता है ना, जिसको हम रिसर्च जो करता है वो जानता है इस चीज को, रिसर्च में पढ़ते हैं। क्रिस्पर कैस जीन एडिटिंग, बहुत अच्छा ये सेक्टर है जीन एडिटिंग का, क्रिस्पर कैस, CRISPR-Cas, क्रिस्पर कैस में हम जीन एडिटिंग ही करते हैं, जीन इंजीनियरिंग ही करते हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हम जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप, इसको हमें इसी पॉइंट को पढ़ना है। हम ये जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है ना, हम कहाँ पढ़ के आए बेटा, थोड़ा सा अगर ध्यान आ रहा हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें लास्ट के जो तीन पन्ने थे, एक पन्ना जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है छोटा सा, दूसरा और तीसरा, वहां हमने इसको पढ़ा है। समझ में आया? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का तो हमने सिंपली एक बायोगैस में गोबर गैस यूज, गोबर को यूज करके एज अ मेन्योर यूज करा है। समझ में आया ना? क्लियर है? बायोगैस प्रोडक्शन में यूज करा है, तो ये वहां पढ़ा है। बाकी इसमें आप ये पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर अपने से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, चीजों को समझने की जरूरत है। ये भी पढ़ाऊंगी बेटा, ये लास्ट में आता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग की चीजें समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ क्यों पूछा गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज जीएमओ, ठीक है, जीएमओ या इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म ऐसा हमने क्यों बोला बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बोला, यहां देखो जी एम ओ, ठीक है,
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो कोई भी हो सकता है बेटा। वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो ना, यहाँ हम बैक्टीरिया प्लांट के रिस्पेक्ट में चीजें बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। मान लो हमने कोई डीएनए लिया, ठीक है, वो ये है, ठीक, ये एक डीएनए है। हमने इस डीएनए में आगे जाके हमने ये देखा कि एक हमारे पास ये डीएनए, इस डीएनए में सेगमेंट के पास खासियत है, इस जीन के पास खासियत है एक प्रोटीन बनाने की, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। हमने इसको कट किया और यहाँ पर लाइगेट करने की कोशिश करी। अब जो हमें डीएनए मिल रहा है ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं? आरडीएनए बोला था ना, यही तो था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वहां हमने प्लाज्मिड ले लिया था, समझ में आया? हमने क्या बोला इसको? आरडीएनए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है? अब मान लो हमने इसको ग्रो करा दिया, इसको ग्रो कराया। इसका एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई टमाटो प्लांट है। इस टमाटो प्लांट में डिजीज हो रही थी। क्यों डिजीज हो रही थी? क्योंकि इसमें कीड़े लग रहे थे, या क्या लग रहे थे? पेस्ट लग रहे थे, तो इसमें डिजीज हो रही थी। अब यहाँ पर हमने देखा ये जो जीन है, इसको अगर हम लेंगे तो ये पेस्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पेस्ट होने नहीं देगा। हमने इसको इसमें इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब ये क्या है? अब हम इसको जब ग्रो कराएंगे, इस टमाटो प्लांट को जब ग्रो कराएंगे, तो क्या यहाँ पर पेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, कीड़े नहीं लगेंगे। तो जब नहीं लगेंगे तो ये जो डीएनए हुआ वो आरडीएनए हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ। और ये जो टमाटो के प्लांट है, एक ऑर्गेनिज्म ही तो है, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो ये जो आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसी को बोलते हैं हम जीएमओ, ठीक है। अब आप पूरे टमाटो की जो खेती होती है उसको देखो, क्रॉप बोलोगे उसको। तो ऐसी क्रॉप को जिनके जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है, एक अच्छा फीचर उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, ग्रो कर लिया है, ऐसी क्रॉप को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। दो नाम दिए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और एग्रीकल्चर में देख रहे हैं तो पूरी क्रॉप ग्रो होती है, तो हम इसलिए उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके जीन में मैनिपुलेशन हुआ हो, जीन में चेंजेस हुए हो, जीन एडिटिंग हुई हो, और उससे उन्होंने एक स्पेशल फीचर को गेन कर लिया हो, वो फीचर कोई भी हो सकता है, वो क्वालिटी इनहेंस भी कर सकता है, वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीजें हो सकती है उसके अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? ये जो जिस पैटर्न से करते हैं ना, इसको आप पढ़ते हो टिश्यू कल्चर, जो कि आप कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रेटेजीज इन फूड एनहेंसमेंट में, प्लांट वाला जो सेक्टर था, सॉरी सेक्शन था, उसमें हम इसको टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये बताते हैं। ये कल्चर जो हो रहा है ये टिश्यू कल्चर में होता है। अब दो चीज की मिक्सिंग हो रही है, हाइब्रिड बन रहा है, इसमें बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। एक फिजिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। मेरी बात समझ में आई? आ जाओ आगे की चीजें समझते हैं। नोट्स बहुत अच्छे से रखना इसको, सारा चैप्टर, ये चार पांच जो पन्ने हैं ना आपके, लगभग 8-10 पन्ने, इनमें क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना इतना पढ़ोगे, पॉइंट पॉइंट मैंने बताया, एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? इसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब होता है, बच्चा पूछ रहा था कौन, मोहम्मद रुमान, ठीक है। तो मोहम्मद जी, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें चेंजेस हो रहे हैं। अब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समझ गए ना, आपको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी समझ में आएगा। इन पे एथिकल इशू भी रेज होता है, एनिमल्स जब आ जाते हैं हम पढ़ेंगे उसको लास्ट में, क्लियर? समझ में आया? आर द प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल, कोई भी हो सकता है, प्लांट भी, बैक्टीरिया भी, फंगी भी, एनिमल भी, वो जीन्स आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, वो माइंड मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही है, जीन मैनिपुलेशन की बात हो रही है। मैनिपुलेशन सिंपली चेंजेस, क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट देखें। तो जीएमओ समझ में आ गया, तो अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अब ये जो एडवांटेज है, ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, अगर हम प्लांट में कर रहे हैं, प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें, तो जो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट में कर रहे हैं उसका खासियत क्या है, ठीक है? पहले तो मुझे सब बच्चे ये बता दें, सबको समझ में आ रहा है? हेलो बेटा, गुड इवनिंग, आ रहा है ना? किसी को कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो वो ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगी। इन केस अगर नहीं ध्यान जाए
तो रिपीट कर देना, मैं बता दूंगी। लेकिन जो पढ़ा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो, ये जो 2 घंटे का 3 घंटे का जितने भी घंटे का लेक्चर चल रहा है बहुत ध्यान से सुनो, एक टॉपिक यही क्लियर करके यही याद कर लोगे, ये समझना। चलो देखो, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, क्या क्या एडवांटेज भाई? हमने जीन मैनिपुलेशन तो कर दिया, क्यों कर दिया भाई, क्या जरूरत पड़ गई, या फिर जरूरत पड़ी भी तो क्या हमें खासियत मिल रही है इससे? बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सब पे सब लागू नहीं होता, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या है देखो, आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस लिखी है, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछते हैं, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर जीएमओ, जीएनओ में क्या खासियत होती, सिग्निफिकेंस ऑफ जीएमओ, क्वेश्चन एक लिख लो, चलो लिख ही लो, है ना। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आंसर आप लिखोगे, समझा दिया मैंने। व्हाट इज जीएमओ? मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड राइट डाउन इट्स फीचर्स, कर लोगे? तो मैंने ये तो बता दिया, समझा भी दिया, अब आ जाओ आप फीचर्स पे, कि भाई हम फीचर्स फीचर्स क्या है इसके, ठीक है। देखो पहला फीचर देखो, इट मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक्स क्या होते हैं भाई? जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, है ना, जो आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, जैसे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक तरह से, अब कोल्ड हो गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, हाई सॉल्ट कंडीशन, हीट कंडीशन, ह्यूमिडिटी कंडीशन, ये जो सारी कंडीशंस होती हैं इनको बोलते हैं एबायोटिक। इन आप इकोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये जो एबायोटिक कंडीशन है इनके प्रति आपका मोर टॉलरेंट हो जाता है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, हल्का सा टेम्परेचर रेज हो रहा है, हल्की गर्मी पड़ रही है तो भी वो सूख जा रहा है। कोई प्लांट वही सेम कैटेगरी प्लांट है, वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रहा है, होता है ना। जैसे जैसे अभी देखो, आप अपने घर में कोई पेड़ लगाओ, किसी दूसरे आपने देखो गया बहुत अच्छे से हो रहा है, किसी का देखने मिलेगा भाई वही प्लांट सूख गया, ऐसा क्यों? एडेप्टेशन की बात होती है, आप जिस तरह से इसको ग्रो कर रहे हो। तो ये जो प्लांट्स, ये जो क्रॉप्स होती हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, वो जो एबायोटिक स्ट्रेस है उन पे टॉलरेंट रहती है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है उनके अंदर, समझ में आया, कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, अब हम केमिकल्स क्यों यूज रहते हैं, चाहे अगर हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं तो ये क्रॉप को डैमेज करते हैं ना, तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, कीड़ों का असर नहीं पड़ेगा। इसी पे बेस्ड आप एक एग्जांपल पढ़ोगे बेटा, कौन सा, बीटी का, बीटी कॉटन का, अभी पढ़ाऊंगी इसकी पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगी, याद नहीं करना पड़ेगा एक भी चीज बीटी के रिगार्डिंग, क्लियर है। तो हमने क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, हमने जो सेकंड देखा था ना, एग्रो बेस्ड केमिकल, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, उस पर डिपेंडेंसी को कम कर दिया है, किसने, जीएमओ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट रिड्यूसेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, आपने हार्वेस्ट कर लिया, मान लो जैसे गेहूं कटता है, चावल कटता है, उसके बाद जब हम स्टोर करते हैं तो हम देखते हैं कि बाद में भी उसमें कीड़े लग जाते हैं या वो सड़ जाता है, जो पोस्ट मतलब बाद में, हार्वेस्टिंग के बाद में जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो गए, क्यों, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंट है, क्लियर हो गया ना। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट देखें, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब क्या है भाई, जो जो आपका प्लांट है, बहुत सारे आप ऐसे देखते हो, जो आप देखते हो ना, जैसे पेड़ लगाया आपने, ठीक है, कौन कितना मिनरल यूज कर पा रहा है, मिनरल को डिफ्यूज कर पा रहा है रूट्स के थ्रू प्लांट में। बोलते हैं ना कि सॉइल की फर्टिलिटी है तो बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी प्लांट नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि मिनरल यूज ही नहीं कर पा रहे और डिफ्यूजन प्रोसेस हो ही नहीं पा रही उनमें से। ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी में से थोड़ी रीड करते हो, कभी कभी इनसे एमसीक्यू बन जाते हैं, इसलिए मैं इस चीजों को डिटेल में पढ़ा रही हूँ। मेन टॉपिक अभी एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज जीएमओ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो आपको पॉइंट्स एक बार समझ में आ जाएंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सीबीएसई के स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिखना आती ही होगी, है ना, तो नहीं आती है तो लिखने की प्रैक्टिस करा करो, कि भाई हम अपने आंसर को अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं सैम्पल पेपर के थ्रू, ठीक है।
नहीं कर सकते हो तो भाई जुड़ जाओ भाई, रैच चल रही है आपकी 0 to 0, वहां पर जाओ, ऑफर भी चल रहा है अभी 50% आज के लिए है, तो जुड़ जाओ वहां पर, सारी चीजों की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, याद करने में मेहनत वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और करनी भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, इट एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल विटामिन इनरिच राइस, जिसको अभी एक बच्चा बोल रहा था गोल्डन राइस करके, ऐसी आपका एक एग्जाम्पल मैं इसमें और बताऊं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गोल्डन राइस, ठीक है, विटामिन ज्यादा होता है इसमें। एक एग्जाम्पल अगर मैं और लिखूं, फ्लेवर सेवर टमाटो, फ्लेवर सेवर टमाटो, ये कहाँ पढ़ते हैं आप? ये आप पढ़ते हैं जब स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं, समझ में आया, फ्लेवर सेवर टमाटो। दूसरा देखो आप, इट टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट, आपको पूछा गया है एनसीईआरटी में, टेलर मेड प्लांट इज इन द रेफरेंस ऑफ, आपको चार ऑप्शन दिए, तो किसके रेफरेंस में बात हो रही है? टेलर, टेलर का काम क्या होता है भाई, सूट उट का कपड़ा देते हो, चाहे लड़कियां देख लो चाहे लड़के, उसको कटिंग करके एक नया डिजाइन बना देते हैं ना, जो यूजफुल होता है, जो क्रिएटिव होता है ना, तो टेलर मेड प्लांट्स मतलब वो प्लांट जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया हो, दैट इज GMO की बात हो रही, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्रॉप देख लो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो टेलर मेड प्लांट यहाँ पर ये बोला गया है ना। टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज सच एज स्टार्चेस, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, वही बात हो रही है, क्लियर है? तो व्हाट इज GMO एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एक क्वेश्चन आपका हो गया, कर लोगे ना? चलो तो मुझे उम्मीद है भाई ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, इसको लिख लो होमवर्क, समझा दिया है, आप करके लाओगे, कॉपी में लिखोगे, लाओगे कहाँ भाई, यहाँ तो लेके नहीं आओगे, नेक्स्ट लेक्चर में करके बैठना, ठीक है? देखो अब दूसरा क्या दिखता है आपको, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दूसरा क्या बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दे एक्ट एज बायो, आई है ये, दे एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड, बायो मतलब बेटा, बायो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं एज अ पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने के लिए, पहले हम क्या कर रहे थे, केमिकल को, पहले क्या अभी भी कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत कम हुई है, केमिकल को यूज कर रहे थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म तो हार्मफुल नहीं होते ना, टॉक्सिक होते हैं, ये एक बेनिफिट है। टू रिड्यूस, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स मतलब कौन से इंसेक्टिसाइड बेटा, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स की बात हो रही है, इस पे डिपेंडेंसी कम हो रही है हमारी, एग्जाम्पल आप देख लो, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टमाटो, राइस कौन सा राइस आपका, गोल्डन राइस, टमाटो कौन सा टमाटो, फ्लेवर सेवर टमाटो, ऐसी सोयाबीन है, पोटैटो है, ये सारी चीजें, इनमें सारों में क्या करके देखा गया है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके देखा गया, क्लियर? नेक्स्ट देखो, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस हैव प्रोटीन्स दैट किल इंसेक्ट्स लाइक कोलियोप्टेरॉन्स, बीटल्स, लिप्टेरॉन्स, टोबैको वॉर्म्स। अब यहां से पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्या स्टार्ट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। उसके पहले आप यहां पर एक पॉइंट देखो, देखो थोड़ी सी कहानी है, कहानी सुनाती हूँ मैं आपको एक बार, एक प्लांट था है ना, जंगल में मान लो या खेतों में मान लो, एक प्लांट था, प्लांट का नाम क्या था, मैं ये बना देती हूँ प्लांट को, ठीक है, ये कौन सा प्लांट है, ये है आपका कॉटन प्लांट, ध्यान देना सारी चीजें डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से, याद नहीं करना पड़ेगा, ये प्लांट है कॉटन प्लांट, हमने यहाँ ट्रेजेडी देखी कि ये बेटा यहाँ पर लग रहे हैं इंसेक्ट्स, क्या इन्फेक्ट कर रहे हैं इसको, इंसेक्ट्स, तो यहाँ पर ये जो कॉटन की कैटेगरी है ये हमें दिख रही है, ये इन्फेक्टेड हो गया, ये जो कॉटन प्लांट है ये क्या है, इन्फेक्टेड, क्यों, क्योंकि इसको इंसेक्ट इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से इंसेक्ट इन्फेक्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में देखो आपका राइट साइड पे, इधर साइड पे नीचे पैरा में लिखा हुआ है बीटी के बारे में, कौन से इंसेक्ट इन्फेक्ट कर रहे हैं, कोलियोप्टेरॉन्स, बीटल्स, लिप्टेरॉन्स, टबैको वॉर्म, बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म एंड डिप्टेरॉन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, फ्लाइज एंड मॉस्किटो इज द एग्जाम्पल, इज द कैटेगरी किस में आती है, डिप्टेरॉन्स में, एक एमसीक्यू, दूसरा कोलियोप्टेरॉन्स, बीटल्स, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा मान लो कहाँ गया,
लिपटोटेरॉन्स, टबैको, बडवॉर्म, आर्मी बॉम्ब, कर लोगे? तीन चीजें यहां से मिल गई। किसको इन्फेक्ट कर रहे थे बेटा ये? बीटी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे थे। समझ में आया? किसको इन्फेक्ट कर रहे थे? सॉरी, कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट कर। अभी इसको भूल जाओ, बैचलर सूर्योदय उसको बाद में आएगा। हीरो हमेशा हीरो की एंट्री कहाँ होती है? बाद में होती है ना। अभी इसको बाद में लाएंगे, अभी पहले विलन के बारे में बताते हैं। ये सारे विलन है, ठीक है? ये किसको इन्फेक्ट कर रहे थे? इस हीरोइन को। हीरोइन कौन है यहाँ की? बीटी, ठीक है? मान लो ये एक बहुत सुंदर सी हीरोइन है, और ये क्या है? ये चाहे आप मान लो डिप्टेरेंस, मान लो इनके एग्जांपल्स आप याद करोगे, कोलियोप्टेरॉन्स मान लो, ठीक है? ये सारे जो ये विलन हैं, ये कौन है बेटा? विलन, ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? ये बेचारे इस हीरोइन को परेशान कर रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं इसमें, ठीक है? टाइम से आया करो बेटा, तभी समझ में आएगी चीजें। अब इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब रिसर्चर ने ये देखा कि हमारे पास एक बैक्टीरिया भी है। क्या है बेटा? एक बैक्टीरिया भी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है? ये रहा आपके पास, ये रहा बैक्टीरिया, ठीक है? मैम थोड़ी बुरी है डायग्राम में, बट ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया। इसका नाम क्या है? बीटी। बीटी ये कौन है बेटा? ये है इस कहानी का हीरो। हमने देखा कि जो ये बीटी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्यूरोनोजेनेसिस, जीनस स्पीशीज बैसिलस थ्यूरोनोजेनेसिस। जो ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखना, ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के पास अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खास बात क्या है, तो इसके पास खास बात है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट्स को किल करने की कैपेसिटी। अब ये क्या करेगा? ये इनको किल क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है। यही तो दिक्कत है हीरोइन को, हमारे कॉटन प्लांट को, तो ये इसको बिल्कुल किल कर सकता है। अब किल कैसे करेगा देखना, ठीक है? अब इसको देखो, ये कैसे किल करेगा? इसके पास, इसके लाइफ टाइम पर, लाइफ स्पैन में बेटा, इसके पास पावर होती है एक प्रोटीन बनाने की। क्या बनाने की? प्रोटीन बनाने की। और वो जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोटॉक्सिन। क्या नाम है बेटा? प्रोटॉक्सिन। और इसका टॉक्सिन है, तो हम क्या बोल रहे हैं? नेचर क्या है? टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन, सॉरी, टॉक्सिक इन नेचर। अगर ये टॉक्सिक है तो इसको किल कर देगा कि नहीं, यही तो हमें देखना है कि भाई ये जो प्रोटीन है ये कौन बना रहा होगा? इसके थ्रू एक जीन होगा, इसके डीएनए में, इसके पूरे डीएनए में एक जीन होगा, वही जीन तो बना रहा होगा, वही जीन तो ये प्रोटीन बना रहा होगा, बना रहा होगा कि नहीं? अब जीन कौन सा लिखा है एनसीईआरटी में? यहां पर देखो, इधर लिखा है, कहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा, है ना? जैसे देखो, जो प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन दैट इज क्राइस फर्स्ट AC, ठीक है, क्राइस सेकंड AB कंट्रोल्स कॉटन बॉल वॉर्म, एंड दैट ऑफ क्राइ थर्ड सेकंड AB, क्राइस सेकंड AB कंट्रोल्स कॉटन बॉल। तो हम एक तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं कौन किसको कंट्रोल रख रहा है, इसको अभी देखेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो जीन है, ये जीन कौन कौन से हैं बेटा? नाम ध्यान रखना, क्राई फर्स्ट AC, क्राई फर्स्ट AB, ठीक है? और दूसरा कौन सा है आपका? क्राई सेकेंड AC। तीन तरह के जीन हैं। वो जी जो तीन जीन हैं, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? अगर इसकी बात करें तो आपका जो क्राई फर्स्ट AC है और क्राई सेकेंड AB है, ये कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल कर रहा है, और क्राई सेकेंड आपका जो AC है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? कॉर्न बॉल वॉर्म को। समझ जाओगे इतनी चीजें? क्लियर है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा करेक्शन है बेटा यहाँ पर, एक सेकेंड दो मुझे। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपको जीन दिख रहे हैं, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है आप ये भी देख सकते हो। अब हम यहाँ क्या देखेंगे? हम इसी जीन को यूज करेंगे।
ये जीन था बीटी के पास, इस जीन के पास पावर है। जीन क्या करती है, जीन को हम वही सेलेक्ट करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके पास आगे जाके प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी होती है। ये जीन हमें मिला, ये रहा जीन। अब इसने लाइफ स्पैन में अपने एक प्रोटीन बनाया, और उस प्रोटीन का नेचर कैसा है बेटा, टॉक्सिक नेचर का है। और नाम क्या है प्रोटीन का, प्रोटॉक्सिन। आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी में प्रोटॉक्सिन का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ टॉक्सिन लिखा है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन लिखा है साइड में नीचे सबसे पैरा में लिखा है कि ये बैक्टीरिया क्यों किल नहीं हो रहा, फिर जब ये टॉक्सिक नेचर का है तो बैक्टीरिया क्यों नहीं किल हो रहा। आपको मैंने बहुत बार टर्मिनोलॉजी की नॉलेज दी है, बताया है आपको, मैंने ये बोला है जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो किसी भी एंजाइम के पहले प्रो लगा हो, पहले, और किसी भी एंजाइम के बाद बेटा जेन लगा हो, तो वो उसके इनएक्टिव स्टेट को दर्शाता है, दिखाता है, बताता है। बोला है ना ये चीज। अब आप देखो यहां पर ये जो टॉक्सिन है इसके नाम के आगे प्रो लगा है, दैट मींस कि ये अभी किस फॉर्म में है, ये इनएक्टिव स्टेट में है। किस स्टेट में है बेटा, ये अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव स्टेट में। समझ में आया। फिर से देखो इसमें कीड़े लग रहे थे, ठीक है, डिप्टोटिरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स, ये सारे कीड़े लग रहे थे कॉटन प्लांट में। बैसिलस थुरिनोजेनेसिस बैक्टीरिया जो है इसके कुछ स्ट्रेन में ये देखा गया कि इसके लाइफ स्पैन में एक जीन होता है क्राइ फर्स्ट एसी एबी और सेकेंड एबी, इनमें इनके पास कैपेबिलिटी होती है टॉक्सिन बनाने की, दैट इज प्रोटॉक्सिन। उसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। तो ये बैक्टीरिया को इसलिए किल नहीं करता क्योंकि टॉक्सिन है तो बैक्टीरिया मरना चाहिए, इसलिए किल नहीं करता क्योंकि ये प्रेजेंट है प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अगर इस प्रोटॉक्सिन को जो कि क्या है बेटा, इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है कि नहीं, इसको अगर एक्टिव होना है तो इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा इंडोटॉक्सिन में, इसमें इंडोटॉक्सिन में, ये रहा इसका एक्टिव स्टेज। अब इसके लिए इसको जरूरत पड़ती है एक मीडियम की, पीएच की, और पीएच कौन सा होता है, एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच। जब ये एक्टिव होगा तो ये किल कर पाएगा किसको, इंसेक्ट को। क्या इतनी बात ध्यान हो गई, क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है। तो हमें प्रोटॉक्सिन को किसमें कन्वर्ट करना है, इंडोटॉक्सिन में, तभी ये चीज किल होगी। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये जो जीन है, जो कौन-कौन से जीन है, कौन से जीन बेटा, बीटी के जीन, पता है ना, क्राई वाले जीन, हमने इसको ले लिया, मान लो ये रहा ये जीन, ठीक है। हमने इसको किसमें इनकॉर्पोरेट कराया, एक सेल है इसमें, ये रहा जीनोम। ये कौन सी सेल है बेटा, कॉटन प्लांट की सेल है, कॉटन प्लांट की सेल है। इसके डीएनए को लिया, एक सेकेंड, इसके डीएनए को लिया, यहां पर हमने इसको इनकॉर्पोरेट करा दिया। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, है ना। ये मान लो हमें क्या मिला बेटा, हमें जो मिला वो ये मिला, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। मान लो अब ये जो डीएनए है ये किस प्लांट का है, ये कॉटन प्लांट का डीएनए है कि नहीं, कॉटन प्लांट का डीएनए है, लेकिन ये कैसा हो गया, ये जीएमओ में कन्वर्ट हो गया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये जो कॉटन प्लांट है बेटा, हम इसको जाके, इस सेल को जाके, जिसमें दो तरह का डीएनए है, जिसके अंदर आरडीएनए है, क्या डीएनए बेटा, आपका आरडीएनए है, क्यों, क्योंकि ये मॉडिफाई हो गया है, हम इसे क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे। तो जब ग्रो कराएंगे तो हमें जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिलेगी। जो वो कॉटन प्लांट होगा वो क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि उसके जीन में मॉडिफिकेशन हो चुका है, उसके जीन में एक ऐसा जीन ऐड हो चुका है जिसके पास इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, मतलब प्रोटीन बनेगा वो टॉक्सिक होगा। अब आपको ये जितने भी कॉटन प्लांट दिखेंगे ना, यहां मैं बनाती हूँ एक सेकेंड, ये जितने भी कॉटन प्लांट होंगे ये क्या होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में होंगे। ये अपने लाइफ स्पैन में प्रोटीन बनाएंगे जिसका नेचर क्या होगा, टॉक्सिक होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, टॉक्सिक होगा। अब बाय चांस अगर इसको कोई इंसेक्ट मान लो आया, ठीक है, मान लो ये क्या है, इंसेक्ट है, ये इसको आया, किस लिए आया भैया, ईट करने या इन्फेक्ट करने के लिए आया। तो इंसेक्ट है तो इसके गट का पीएच क्या होगा,
इसके गट का जो पीएच होगा वो क्या होगा? एल्कलाइन होगा ना, क्या होगा बेटा? गट का पीएच एल्कलाइन होगा। तो जैसे ही इसको इन्फेक्ट करेगा, इसके पास क्राइजीन है तो प्रोटीन भी है। कौन सा प्रोटीन है? प्रोटॉक्सिन है। वो प्रोटॉक्सिन इस इंसेक्ट की गट में जाएगा। गट में होता है पीएच एल्कलाइन। उस एल्कलाइन पीएच से वो जो प्रोटॉक्सिन है अगेन किस में कन्वर्ट होगा? इंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट होगा और इंसेक्ट किल हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रेजिस्ट हो जाते हैं उस कॉटन प्लांट के लिए और ग्रो कर पाते हैं। तो अगर अब हम इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखें तो जल्दी से बताओ कैसे लिखोगे? हमने क्या किया था बेटा, एक प्लांट था हमारे पास कॉटन प्लांट। इस कॉटन प्लांट में हमने इनकॉर्पोरेट किया था क्राइजीन को। सॉरी, 8। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको इनकॉर्पोरेट किया था, इनकॉर्पोरेट क्राइजीन। ठीक है, क्राइजीन जब इनकॉर्पोरेट किया तो ये जो कॉटन प्लांट था वो बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया। अब इसके पास बन रहा है टॉक्सिन। क्या बन रहा है बेटा? टॉक्सिन, दैट इज प्रोटॉक्सिन। ठीक है, अब इसको जब इंसेक्ट इन्फेक्ट करेगा तो इंसेक्ट ने जैसे इसको इन्फेक्ट किया, इसकी गट में होता है एल्कलाइन पीएच, और इस एल्कलाइन पीएच को देख के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होगा बेटा इंडोटॉक्सिन में। और इंडोटॉक्सिन में जैसे ही कन्वर्ट होगा, अब आप पूछो मैम डेथ कैसे हो रही है? डेथ कैसे होती है कि जो गट में बेटा, अगर मान लो ये गट है तो यहाँ पर लाइनिंग पे सेल्स भी तो होंगी, ये सेल्स हो जाती है डिस्ट्रॉय, इनमें हो जाता है प्रोलिफरेशन। लिख दूं यहां पर प्रोलिफरेशन, तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय, साइटोप्लाज्म सारा बाहर बाहर आ गया, इंसेक्ट्स की डेथ। ऐसे होती है प्रोसेस। समझ में आया? क्लियर है? एक बार जल्दी से देखें क्या हुआ था प्रोसेस। यही है, यही पढ़ना आपकी, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, छोटे से पैरा में यही चीज लिखी हुई है। कंफ्यूजन यहाँ होती है कि चीजें, बैक्टीरिया क्यों नहीं किल हो रहा, बस यही कंफ्यूजन होती है। एक यही चीज है और एक आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर है और एक जीन थेरेपी है जो समझने वाली है। बाकी सब आपको ध्यान रखना है पढ़ पढ़ के। मैं यहाँ समझा दे रही हूँ आपको अच्छे से, क्लियर? तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिएंसिस हैव प्रोटीन दैट किल्स द इंसेक्ट्स। कोलियोप्टेरॉन्स, लिप्टेरॉन्स आपके ऑप्शंस दिए हैं और आपका क्या हो गया? डिप्टेरॉन्स। ठीक है, ये हीरो हीरोइन की कहानी थी जो आपको समझाई मैंने। नेक्स्ट देखो, बीच थुरिएंसिस दैट इज बैसिलस थुरिएंसिस फॉर्म्स अ टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं प्रोटीन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेजेस ऑफ देयर ग्रोथ। इट डज नॉट किल द बैसिलस एज इट एग्जिस्ट एज इनऑक्टिव इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। किस फॉर्म में? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, चलो, व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट द टॉक्सिन इट बिकम्स एक्टिव ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट व्हिच सोलुबलाइजेस द क्रिस्टल। अब जैसे एल्कलाइन पीएच मिलेगा वो क्रिस्टल क्या हुआ? एल्कलाइन पीएच से सोलुबलाइज हुआ, एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, प्रोलिफरेशन हुआ उसमें। ठीक है, पर्ट्यूशंस बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई, सेल साइटोप्लाज्म सारा बाहर आ गया। ठीक है, परफोरेशन ऑफ द गट वॉल। ठीक है, चलो, द टॉक्सिन इन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियल। आपको एक चीज बताऊं, पता भी होगा आपको वैसे शायद, कि एपिथेलियल सेल्स जो होती है ना आपकी बॉडी में, जो भी कैविटी वाले ऑर्गन्स हैं, लगभग लगभग जितने भी कैविटी वाले ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग पे हमेशा आपको एपिथेलियल दिखेगी। गट में बीच में कैविटी है ना, तो उनकी लाइनिंग पे आपको हमेशा क्या दिखेगी? एपिथेलियल सेल दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको? एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट स्पोर, इट कॉजेस सेल स्वेलिंग एंड डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। क्लियर? बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बी थेरनोजेनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन प्लांट। ऐसे आपके कॉटन कॉर्न, बीटी कॉर्न बनते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग आपके एग्जाम्पल बनते हैं बीटी प्लांट्स। ठीक है, इवोल्यूशन कराऊंगी बेटा, इसके बाद ही करा दूंगी इवोल्यूशन, परेशान मत हो। ये चैप्टर मैंने इसलिए करा दिया था यहाँ पर क्योंकि कनेक्टेड है। इवोल्यूशन नेक्स्ट कराऊंगी जैन। चलो नेक्स्ट देखें, मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंजेस्ट ग्रो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई, क्राई जीन होता है। ठीक है, कौन कौन सा क्राई?
आपका क्राई फर्स्ट ए सी, क्राई सेकेंड ए बी, और आपका क्राई सेकेंड ए बी, फर्स्ट ए सेकेंड ए बी, सेकेंड समझ में आया, क्लियर? तो होप सो बी टी के रिगार्डिंग आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो आप, अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसको भी देखेंगे, ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। आपके एग्रीकल्चर में एक तो आपने बीटी पढ़ लिया, एक आप क्या पढ़ोगे, नेमाटोड रेजिस्टेंस मेलिग्नो पढ़ोगे, एंजाइम उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में, मेलिग्नोडाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है? टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता था, उसकी रूट में इन्फेक्शन कॉज करता था, ठीक है? तो इसको एक बार पढ़ना, समझ में आएगा। हमने इसमें क्या टेक्निक लगाई है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप भी इसको पढ़ोगे एनसीईआरटी से, क्लियर? टोबैको प्लांट के, ठीक है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आर एन ए इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी। आर एन ए आई एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है? हम क्या करते हैं, आर एन ए को ही साइलेंस कर देंगे। तो कैसे बनेगा प्रोटीन भाई, जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, इन्फेक्शन ही नहीं कॉज होगा। पढ़ा है ना मोल बायो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो हम आरएनए साइलेंसिंग करते हैं, समझ में आया? आरएनए आई इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रिवेंट मतलब प्रोटीन प्रिवेंट हो रहा है, आपका फर्दर आगे चीजें, प्रोटीन ही नहीं होगा तो कोई भी फिनोटाइप नहीं आ पाएगा, ठीक है? ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसिंग ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। किसकी वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है? सेम वही चीज चल रही है बेटा, कैसे हो रहा है आप इसको एक बार पढ़ना, इन केस नहीं समझ में आता है तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? आगे मैं पढ़ा रही, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका डायग्राम और छोटी सी चीजें दी गई, एक बार पढ़ो, अभी लास्ट में हम इस पर फिर से आएंगे, आप पढ़ना इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखें, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब देखो किसमें, मेडिसिन में, तो आपके एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर में दो चीजें दी गई, एक तो टबैको प्लांट के बारे में इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है, मेलिग्नोडाइन इनकॉग्निशिया। दूसरा आपका कौन सा है, एग्रीकल्चर में, और सॉरी एग्रीकल्चर में कॉटन प्लांट के लिए, जिसको कौन बचा रहा है, इन्फेक्ट कौन कर रहा है, इंसेक्ट्स बचा कौन रहा है, आपके बैसिलस थुरैनोजेनेसिस के क्रिस्टल प्रोटीन्स, क्लियर? हाँ अभी बताएंगे बेटा, ठीक है? अब देखो आपका एप्लीकेशन, आपका मेडिसिन में एप्लीकेशन, इसके लिए एक बार मुझे एनसीईआरटी ओपन करने दो, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कहाँ पर चीजें दिखी है, या चलो मैं बता दूंगी, आप एनसीईआरटी ओपन करे हो ना, आप देखना उसमें, देखो The recombinant DNA technology helps for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. होता क्या था, आपने देखा है ना भी इंसुलिन, पहले के टाइम पर जो इंसुलिन है उनको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे बेटा, जो कैटल्स होती, फॉर एग्जाम्पल हम पिक की बात कर लें, यहाँ पिक के बारे में बोला गया, तो उनके जो इंसुलिन वहां बन रहा है सेम इंसुलिन हमारे में भी वही काम आता, तो हम वहां से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमंस में यूज करते थे, लेकिन वो एनिमल का जो इंसुलिन हम यूज कर रहे हैं उससे हमने देखा कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। क्या कॉज हो रहा था, इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, इसीलिए हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसुलिन प्रोडक्शन करा। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बार बार ये बोला था कि बेटा इंसुलिन 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 बन रहा है, जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमने इंसुलिन का एग्जाम्पल ले लिया था। अब हमने क्यों इंसुलिन का एग्जाम्पल लिया था आपको समझ में आएगा, तो सारी वही सेम प्रोसेस हो रही है, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहे हैं, इंसुलिन का स्ट्रक्चर, जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, या फिर एमसीक्यू के थ्रू फॉर्म में बन जाएगा, या लेबलिंग के फॉर्म में बन जाएगा। तो टेक्निक पूरी वही यूज हो रही है आपकी आरडीटी, आपका स्ट्रक्चर क्या है हमें ये देखना है, क्लियर हुआ? चलो देखो देख लें इधर, ठीक है? द प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स induces unwanted immunological response, but recombinant therapeutics does not have such problems. हम क्या कर रहे थे, पहले एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, भाई आपको मैं पढ़ाऊंगी भी ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, आप उसमें देखोगे ये चीज कि जो आपकी बॉडी होती है ना, आपकी बॉडी में जो आपका डिफेंस सिस्टम होता है, दैट इज योर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम हैज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।
हम सेल के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूलर एनालॉजीज का रिगार्डिंग देख सकते हैं या किसी भी सेल के रिगार्डिंग देख सकते हैं। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के पास पावर होती है, ये मेरा है ये कि तुम्हारा, ये फॉरेन आया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करने की। तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट कोई दूसरा प्रोटीन आ रहा है तो बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करे, ये इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये चीज देख रहे थे, हमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिख रहे थे, ठीक है, समझ में आया। बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आप ये मान के चल सकते हो, क्लियर। तो एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड, आउट ऑफ दीज 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। आउट ऑफ 30 तो चल रही है, बट मार्केटिंग पे, क्योंकि मार्केटिंग तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आप पढ़े हो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल के पहले आप देखते हो माइस पे होता है, मंकीज पे होता है, फिर ह्यूमंस पे होता है ना। तो वो सारी चीजें पास ऑन करने पर आपकी कितनी अभी तक आई है, 12। प्रोसेस क्या है, वही जो आप आरडीटी में पढ़ के आए हो, कोई नहीं पढ़ा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर देख लेना, आएगा समझ में, सारी चीजें बता दी मैंने उसमें, क्लियर। अब आपको पढ़ना क्या है फिर इसमें, इसमें आपको पढ़ना है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, देखना है, ठीक है। देखो इधर, इंसुलिन इज यूज टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है बेटा, जब आपके ग्लूकोज लेवल, आप कोई भी फूड ले रहे हो तो ग्लूकोज खा रहे, डाइजेशन चैप्टर पढ़ा है ना आपने, कट तो अभी हुआ, पहले पढ़ा होगा, तो आप देखते हो कि वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है, बट अपने ब्लड में कितना ग्लूकोज है, कितना रखना चाहिए, इन सब चीजों का बैलेंस होना चाहिए। इसको बैलेंस करता है आपका इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज कौन करता है, इंसुलिन। बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी है तो आपको डायबिटीज शो होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी डायबिटीज, इंसुलिन है बट रेजिस्टेंस है सर तो भी आपको डायबिटीज शो होगी, समझ पा रहे हो। रेजिस्टेंस वाला तो खैर दूसरा है, ये दूसरी चीज है, समझ में आया, चलो समझ में आ गया ना बेटा, धन्यवाद कुश राज जी। चलो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो इधर, ठीक है। देखो तो ये समझ में आना आपको डायबिटीज, तो अब इसी चीज को हम देख रहे हैं, हम इसीलिए तो इंसुलिन बाहर से लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी सफिशियंट मात्रा में, अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पा रही, इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है ना। तो कैसे आरडीटी को फॉलो करते हैं, इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स कॉजेज एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। सेम एनसीईआरटी की लाइन्स है, एक एक लाइन एनसीईआरटी का मैं पढ़ा रही हूँ, एक एक लाइन में समझा रही हूँ। अब मुझे उम्मीद है बेटा आप इस चैप्टर से गलती नहीं करोगे, सेम बायोटेक मोल अभी तक जो भी मैंने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए सेम एनसीईआरटी के लाइंस हैं, ठीक है। पूरी ए टू जेड एनसीईआरटी डिस्क्राइब करी है आपको यहाँ पर, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है, गलत मत करके आना। चलो, हाउ नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन कॉजिंग बैक्टीरिया, यूजिंग बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया, हम क्या कर रहे थे, हम एज अ होस्ट, होस्ट कौन था हमारा, इकोलाई था ना, होस्ट कौन था पिछले चैप्टर में, इकोलाई था, उसको यूज करके हम क्या कर रहे थे, इंसुलिन बना रहे थे। वेक्टर भी हम बैक्टीरिया से ही ले रहे थे तो उसको भी हमने यूज किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी हमारा होस्ट तो कौन था, बैक्टीरिया था ना, तो हम बैक्टीरिया को यूज करके इंसुलिन डिजाइन कर रहे थे, आरडीटी में पढ़ाया हमने, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्दर हमने लास्ट में उसको प्रोटीन बनने तक की बात को हमने जीन क्लोनिंग बोल दिया था। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड बी, दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो एक बार इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ए चेन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको देखना आप अच्छे, ठीक है, बी चेन, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आपका होता है बेटा सी चेन, क्या होता है सी चेन। तीन तरह की चेन्स होती हैं आपके इधर, तीन तरह के चेन्स होती हैं आपके कहां पर, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। अभी जब ए चेन, बी चेन, सी चेन दोनों, मैं सॉरी तीनों ही प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं इमेच्योर इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन। आपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस, सॉरी एरिथ्रोपोएसिस सुना होगा क्लास 11th में, ब्लड वाले पोर्शन में एरिथ्रोपोएसिस सुना, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ऑलवेज क्लियर टर्मिनोलॉजी।
डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टर्म से ही आप बता दोगे। तो एरिथ्रोपोएसिस में आपने क्या देखा था बेटा, क्या देखा था? ये देखा था कि जो आरबीसी है बन तो बहुत सारी रही है, कहानी यहाँ रुकती है कि मैच्योर कितनी हो रही है ना। बनती तो बहुत सारी स्टेम सेल्स, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आपके बहुत सारी आरबीसी बना रही है, मैच्योर कितनी हो रही है। मैच्योर मतलब क्या होता था कि जो ये आपकी आरबीसी है इसमें अभी न्यूक्लियस भी है और अभी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। मैच्योर होना, ये इसीलिए हम इसको बोलते थे इमैच्योर। मैच्योर होना मतलब इसमें न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया। डिवाइड ऑफ DEVOID, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मैच्योर आरबीसी। अब हम इसको क्या बोल रहे थे, ये आरबीसी जो है ये मैच्योर है। तो क्यों न्यूक्लियस की बलिदानी दी इसने, ताकि स्पेस मिल जाए इसको, प्रॉपर स्पेस मिल जाए। स्पेस किस लिए, आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है ना। इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास चार ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी होती है ना बेटा। तो यहाँ पर उसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस मिले। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, फिर बताना मैम माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हट गया, छोटा सा सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस तो कितना सारा स्पेस रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हट गया। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए हट गया बेटा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। अगर जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, सुनना ध्यान से, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन पकड़ा हुआ है, अगर उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता तो उस ऑक्सीजन को यूज करके वही एनर्जी बना के वही काम खत्म कर देता। बट हमें ये नहीं करना ना, हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है पूरे में, बाइंड ही करने का काम है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा ना पर सेल में, पूरी बॉडी में, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो उसका यूज कर लेता। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की भी बलिदानी देनी पड़ती है, इसलिए आप इसको बोलते हैं आरबीसी मैच्योर होना। इसके लिए एक फैक्टर लगता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12, जो कि कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, चैप्टर नंबर, सॉरी चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपने देखा था, कर्ड में, इनरिच इन विटामिन B12। तो दही खाओगे तो आरबीसी भी मैच्योर होगी, खून बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ आरबीसी जो आपका ब्लड होता है उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट, अगर ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड कार्पसल्स की बात करें, तो किसका होता है, आरबीसी का। तो खून इसीलिए बढ़ता है। ध्यान दिया, सॉरी समझ में आया, सुनाइए ना बेटा, कह रहे सुनिए ना मैम, बता सुनाओ, बिल्कुल पूछो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना जो यहाँ से रिलेटेड हो, नहीं तुम बच्चों तो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो भाई। चलो रिलेवेंट पूछना पढ़ाई से, आ जाओ। देखो समझ में आया, तो ये अपन क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये क्या है आपका, मैच्योर इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी पे अटक गई मैं, तो आपका इमेच्योर इंसुलिन है। ठीक है, तो अभी आप देखो ये जो चेन्स दिख रही है ये इमेच्योर इंसुलिन की दिख रही है। ठीक है, सी चेन भी है, ए चेन भी है, बी चेन भी है। बेटा इंसुलिन क्या है, प्रोटीन ही तो है ना। तो अभी ये जो ए चेन है ये किससे बनी होंगी, ये किससे बनी होंगी, मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड्स की तो यूनिट होगी प्रोटीन, क्या होता है बेटा अमीनो एसिड्स का ही तो होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड्स ही होगा, है ना। अमीनो बोलो, अमीनो बोलो, जो भी बोलो, हमें तो टिक लगा के आना, हमें तो स्पेलिंग याद रखनी है लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो देखो। तो अभी इसको जब मैच्योर होना है तो इसमें सी चेन हट जाएगी, ठीक है, रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होके सिर्फ ए और बी चेन होगी। अब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योर इंसुलिन। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि एक मैच्योर इंसुलिन में कितनी चेन्स होती है, तो आप बोलोगे दो चेन होती है। कौन कौन सी होती है, तो आप बोलोगे ए चेन होती है और बी चेन होती है। आपसे पूछेंगे कि ए चेन और बी चेन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड है। क्यों, क्योंकि एक तरह का प्रोटीन है, तो यूनिट अमाइनो एसिड ही होगी। ये भी डिफाइन होता है कि इसमें इतने अमाइनो एसिड, इसमें इतने अमाइनो एसिड, अपन को वो नहीं देखना है ना, इतना डीप नहीं जाना है, जितना है उतना पढ़ते हैं। ठीक है, इमेच्योर इंसुलिन में कितनी चेन होती है, तीन होती है, ए बी सी होती है। और आपसे सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो डाइसल्फाइड ब्रिज है, जो डाइसल्फाइड लिंकेज है, वो किन दो चेन्स के बीच में होता है, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है जो एक मेच्योर इंसुलिन का डेवलप करता है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये तो आपको इंसुलिन का, अब इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, कहाँ गया,
ये रहा। ठीक है। इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, इट नीड्स बिकम्स प्रो इंसुलिन प्रोसेसिंग टू मैच्योर एंड फंक्शनिंग हार्मोन। फंक्शनल हार्मोन में उसको मैच्योर, प्रो हार्मोन उसको प्रो इंसुलिन को मैच्योर होना पड़ेगा, मैच्योर इंसुलिन। प्रो इज द प्रो वर्ड, मतलब प्रो वर्ड ही होता है इनएक्टिव स्टेट दिखाने के लिए। नाम के पहले प्रो, नाम के बाद जेन, इनएक्टिव स्टेज दिखाता है उस एंजाइम का। क्लियर। चलो, द प्रो हार्मोन्स कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, दिस इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। इंसुलिन में कितनी चेन्स बेटा? दो चेन। कौन कौन सी चेन? ए एंड बी चेन। ठीक है, मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो गया। इन 1983 एली लिली, ध्यान रखना, इन 1983 एली लिली कैन एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। इकोलाई के क्या किया इन्होंने, एक जीन लिया जिसके पास कैपेबिलिटी थी ए और बी चेन बनाने की, उसको किसमें इनकॉर्पोरेट करा दिया, उस जीन को किसमें इनकॉर्पोरेट कराया, प्लाज्मिड में, जिसको हमने वेक्टर बोला था, जिसको हमने वैकल डीएनए बोला था, बोला था कि नहीं। अब जब हम इनकॉर्पोरेट करा देंगे तो इमेजिन करो, पिक्चराइज करो, हर चीज नहीं बनाऊंगी, इमेजिन करो क्या हुआ। जीन है, बनाएगा ए और बी चेन, भाई प्रोटीन बनाएगा ना, प्रोटीन ही तो बन रहा है। अब वो क्या करेगा, उसको क्या करेंगे, इकोलाई प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया, हमारा क्या बन गया, आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने उसको फिर फर्दर किसमें ग्रो करा दिया, होस्ट में इनकॉर्पोरेट करा दिया, जो इकोलाई है उसमें उसके जो एक एक्स्ट्रा जीन है जो ऑटोनोमसली रेप्लीकेट करेगा, वो आरडीएनए क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। समझ पा रहे हो ना आप, यही हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी। क्लियर। और ये किस कंपनी ने सबसे पहले किया था, 1983 ने एली लिली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके ह्यूमन इंसुलिन डिजाइन किया। समझ में आया। टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, चेन ए एंड बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या ब्रिजेस कौन से लगते हैं बेटा, डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड क्यों बोला गया है, क्योंकि दो सल्फर है, दो बॉन्ड बना रहे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है आपका, मेडिसिन में यूज हो रहा है जीन थेरेपी। बहुत अच्छी चीज है जीन थेरेपी। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा समझाती हूँ, फिर आप देखना इस चीज को। ठीक है, देखो होता क्या है, जीन थेरेपी में जो ट्रीटमेंट होता है ना बेटा, दो स्टेज में होता है। या तो आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में करा लो, जीन लेवल पे हम थेरेपी दे रहे हैं, या तो आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करा लो, एम्ब्रियोनिक लेवल पे करा लो, या तो चाइल्डहुड, इन्हीं दोनों में होता है, चाइल्डहुड में, इन्हीं दोनों स्टेज में ही होता है ये। ठीक है, इसमें जो ये थेरेपी होती है ये परमानेंट क्योर देती है। ठीक है, परमानेंट क्योर। और ये क्या होती है, परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है, हमें टाइम टू टाइम थेरेपी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं दो तीन चीजों को अंडरलाइन करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। देखो, एक है आपका एडिनोसिन डाइअमिनेज एडीए डिफिशियंसी के बारे में बोला गया। ठीक है, अब होता क्या है, देखो आपका इम्यून सिस्टम है ना, आपका क्या है बेटा, इम्यून सिस्टम, किसी भी बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वही कौन देता है, हमें इम्यून सिस्टम देता है। तो इम्यून सेल्स भी होंगी, इम्यून सेल्स भी तो होंगी। हम एक इम्यून सेल की अगर बात करें तो हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स, मेन चीज की बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स, ये एक सेल होती है। फर्दर ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना रही है, कोई इम्यूनिटी जनरेट करी, सेल म्यूटेटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, सब पढ़ेंगे हम। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में एक टॉपिक पड़ता है इम्यूनोलॉजी, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप समझो कि ये जो लिम्फोसाइट है इम्यून सेल है, दैट इज ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होगी, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क कर रही होगी। इसके पास बेटा कैपेबिलिटी होती है कि एंजाइम बनाने की, दैट इज एडीए, एडिनोसिन डाइअमिनेज एंजाइम। तो फर्दर आपका कोई एंजाइम है तो ये सिग्नल जाएगा, फर्दर आपकी प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस चल के आप क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे, इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। अब ये क्या वर्क कर रहा है, कौन सी बीमारी आई है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम वही पढ़ेंगे। तो काम किससे है हमें, एडीए से। किससे काम है बेटा, एडीए से। अब आप सोचो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एडीए बन ही नहीं रहा, उसकी बॉडी में एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डाइअमिनेज डिफिशियंसी है, एंजाइम नहीं बन रहा,
नहीं बन रहा तो इम्यून सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई? बिल्कुल पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, है तो ये एक सेल ही ना, हम क्या करते हैं इसको, इस डिफिशियंसी को क्योर करने के लिए हमने सेल एक्सट्रैक्ट कर ली। ये कौन सी सेल है? लिम्फोसाइट। हमने इसके इसके पास सेल है तो ये कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। इसमें हमने क्या कर दिया, एक ऐसा जीन इनकॉपरेट कर दिया, इसको बोल देंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये कैपेबल है बेटा किसके लिए, लिम्फो, आपका एडी एंजाइम यहाँ पर बनेगा, ऐसा जीन, ऐसी लिम्फोसाइट जिसके पास कैपेसिटी थी लिम्फो एडीए बनाने के लिए, उस लिम्फोसाइट को लिया। ठीक है, हमने उस लिम्फोसाइट के लिए को लिया जिसमें आपका क्या बन रहा था, एडीए बन रहा था, इसमें से एक जीन लिया। एक सेल है जो पेशेंट है, उसकी जो लिम्फोसाइट है इसमें एडीए नहीं बन रहा है, हमने इसके डीएनए को लिया, दोनों को इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब जब हमने ग्रो कराया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक ऐसा आरडीएनए मिल रहा है जिसके पास, या आरडीएनए, इसके पास कैपेसिटी है एडीए बनाने की, है ना? अब हमें जो सेल मिली इसके पास, इस लिम्फोसाइट के पास एडीए बन रहा है बेटा। ठीक है, ये कौन सी सेल होगी, आर सेल होगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से गुजरी हुई सेल हो गई। हम इसको ग्रो कराएंगे लैब में तो हमें नंबर ऑफ क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस रहेंगे, मेनी लिम्फोसाइट्स। आप सेल बना सकते हो, आप लैब में सेल बना सकते हो, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। एक होता है, अगर आप को ऐसे कराया नहीं जाता, इसको बोलते हैं सेल लाइन डेवलप करना, आप अपनी खुद की सेल को ग्रो कर सकते हो लैब में, दैट इज कॉल्ड सेल लाइन, प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, अब बहुत सारी लिम्फोसाइट हो गई, हम इस लिम्फोसाइट को बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, हम इस लिम्फोसाइट को डिफ्यूज कर देंगे किसमें, इनटू द पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये जो कंडीशन चल रही है ये कहाँ चल रही है, चाइल्डहुड में चल रही है ना। चाइल्डहुड में हमने क्या किया, एक लिम्फोसाइट लिया जिसके पास एडीए बन रहा था, उसमें से वो जीन ले लिया, प्रोटीन ही है ये, एडीए एंजाइम प्रोटीन ही है आपका, तो हमने जीन को इनकॉर्पोरेट करा दिया किसके साथ, उस लिम्फोसाइट के, पेशेंट से लिम्फोसाइट ली, दोनों को इनकॉर्पोरेट करा। अब जो वो पेशेंट की एक लिम्फोसाइट है उसमें इतनी ही कमी थी कि एडीए नहीं बन रहा था, अब हम उसको ग्रो करा देंगे। ठीक है, अब बोलो मैम हम डायरेक्टली एक ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट कर देते उसी के अंदर, हमने उससे क्यों सेल ली? बेटा हमने पेशेंट से सेल इसलिए लिए क्योंकि अगर हम फॉरेन सेल डालेंगे तो हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, ग्राफ्ट रिजेक्शन, कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी सेल रिजेक्ट ना कर दे, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा अगर हम फॉरेन सेल को भेजेंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उसी से, पेशेंट से ही सेल ले लें, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स से बचने के लिए। ध्यान रखना ये पॉइंट, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो एमसीक्यू की बात करें तो। क्लियर हो गया, इतनी बात मेरी समझ में आई? अब हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब आप सोचो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ये जो एंजाइम है, ये जो सेल्स हैं, सेल्स इमॉर्टल तो है नहीं, ठीक है, सॉरी, सेल मॉर्टल तो है नहीं, सेल इमॉर्टल है ना, कभी तो खत्म होंगी, तो जब खत्म हो जाएंगी, इनकी डेथ हो जाएगी सेल की, तो फिर दोबारा हमें ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसलिए परमानेंट क्योर नहीं है। अब आप एक माइंड और लगाओ, अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज की, ध्यान देना, अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज की, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपकी इम्यूनिटी होती है, जो उस फीटस में, जो उस एम्ब्रियो में जो इम्यूनिटी होती है, क्या उसके पास खुद की इम्यूनिटी होती है, हाँ या ना? नहीं होती, बिल्कुल सही बात, नहीं होती ना, उसके खुद की इम्यूनिटी नहीं होती। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं, क्योंकि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक लास्ट टॉपिक पढ़ा जिसको हमने बोला है लैक्टेशन। लैक्टेशन में आपने कोलेस्ट्रॉम में ये बोला था कि जो कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है उसमें आईजीए, मदर का जो कोलेस्ट्रॉम मतलब फर्स्ट मिल्क जो होता है उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होती है, जो बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में जा रही है बेबी में, है ना, नेचुरल क्यों, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क फीडिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जा रही है किसमें, बच्चे में, बेबी में। उसके बाद वो आईजीए एंटीबॉडीज इम्यूनोलॉजिकल इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे बेबी में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके पास इम्यूनिटी नहीं हो रही है खुद की, कुछ समझ पाए ना? इसीलिए उस लेवल पे जब उसकी खुद की कोई इम्यूनिटी नहीं है, लिम्फोसाइट जो डेवलप हो रही है उसमें अगर हमने डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, डिटेक्ट कैसे करते हैं हम, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक प्रोसेस पड़ी ना जिसमें हम एम्ब्रियोनिक लेवल पे या फिर आपके फिटस लेवल पे डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, जिसका आपने एक वो पढ़ा था ड्रॉबैक
सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने डिटेक्ट करा, उसको वहीं पर ट्रीट किया। अब फर्दर आपका जब तक इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम उसका डेवलप होगा, तब तक इंफोसाइट्स गेन कर लेंगी एडीए बनाने की कैपेसिटी को। इसीलिए आपका चाइल्डहुड में परमानेंट क्योर होता है, और यहां पर अगर हम बात करें तो परमानेंट क्योर नहीं होता। अब आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकोगे कि क्यों ये चीज होती है, बता दोगे ना, बिल्कुल। इसीलिए आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपको पता होना चाहिए कि भाई हम यहाँ पर क्या अलग सीख रहे हैं कहीं और से, तभी तो देख रहे हो, तभी तो सुन रहे हो, वरना अपना 3-4 घंटा क्यों वेस्ट करोगे। हम चीजों को एकदम कोर से पढ़ाने की, लग जाने दो 3 घंटे, लग जाने दो 4 घंटे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन हम जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे कि उसके इधर उधर के रेंज में कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत आसानी से आंसर दोगे, बस थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ में आया? ओके, एडीए का फुल फॉर्म, बेटा एडीए का फुल फॉर्म अभी जस्ट बताया मैंने आपको, एडेनोसिन डाइअमिनेज डिफिशियंसी। अब आप इसे पढ़ो, एकदम क्लियर होता जाएगा। और ये हमें दिखा कहाँ था, 1990 में एक 4 साल की लड़की पे, है ना, ये चीज की गई थी। अब एक बार आप इसको पढ़ना, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि भाई यहाँ परमानेंट क्योर क्यों नहीं होता, यहाँ पर क्यों हो जाता, सॉरी परमानेंट क्यों होता है, यहाँ टेम्परेरी क्यों होता है, और करते कैसे हैं, वो इसमें से बता दिया। अब देखो जो बेस मान के चल रहे हैं ना, आरडीटी ही बेस लग रहा है यहाँ पर, हर जगह आरडीटी हो रहा है, क्लियर है। चल आगे बढ़े, ये भी पूरा वही है, ठीक है। सारी चीजें भी यहां से आप पढ़ोगे, आपको सेम वही लाइंस जो मैंने आपको बोली है सब चीजें समझ में आएंगे, एक भी चीजें अलग नहीं लिखी। देखना ना, परमानेंट क्योर ये होता है, ये पीरियोडिकली डिफ्यूज करना पड़ता है, क्लियर। चलो अब देखो दूसरा क्या है आपका, सॉरी पहला देख लिया एग्रीकल्चर में, जिसमें हमने दो पढ़े, देखो क्या क्या पढ़ा एग्रीकल्चर में, दो पढ़े आपका बीटी कॉटन और आपका टबैको प्लांट में जो इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है, मेलिग्नोडाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। हमने मेडिसिन सेक्टर में पढ़ा, तो हमने एक इंसुलिन बनाने की बात करी, और हमने एक जीन थेरेपी की बात करी, और आरएनए साइलेंसिंग वाला पॉइंट पढ़ा, तीन पढ़ लिए हमने यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक में, जिसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहली चीज है पीसीआर, दूसरी चीज है एलिसा, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, सीरम यूरिन एनालिसिस आर नॉट पॉसिबल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलिसा आर सम टेक्निक्स, और भी बहुत सारी होती है, बट हम दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एम्नियोसेंटोसिस इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, बट नॉट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कई तरह के होते हैं, हम आर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, आर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके जो डायग्नोसिस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। चलो तो पहला क्या है पीसीआर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पीसीआर पूरे 45 मिनट मैंने आपको इसके पिछले वाले चैप्टर में समझाया है एक एक चीज। यहाँ आप थोड़ी पढ़ना, ये नोट्स सेम एनसीईआरटी के, ये पढ़ लोगे, मतलब एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी एक बार रीड कर ले। मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब हम जीन का एम्प्लीफिकेशन, सॉरी हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। तीन स्टेप में करते हैं, पहला स्टेप है आपका कौन सा, डीनेचुरेशन, जिसमें हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड में, दोनों स्टैंड को अलग करते हैं। दूसरा स्टेप है आपका एनिलिंग, जिसमें हम प्राइमर जोड़ते हैं, प्राइमर मतलब शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए पॉलीमर उसको बोलते हैं, वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, तभी आपका न्यूली इनकॉर्पोरेशन होगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा, इसके लिए हमें आपका फर्दर, तीसरा आपका जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, कि उस प्राइमर, प्राइमर को बेस मान के आपका टेम्पलेट यूज करके आपकी डीएनटीपीज इनकॉर्पोरेट होती जाएगी, जिसको मैंने ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स भी बताया था, ऑलिगो डीएनटीपीज, ठीक है, क्लियर है। अब ये डीएनटीपीज इनकॉर्पोरेट कौन करता है, एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, दैट इज वाई वी आर यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज इन द पीसीआर प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो हमने डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ है, क्यों यहाँ पर टैग पॉलीमरेज, एक टैग पॉलीमरेज स्पेशल एंजाइम होता है जो कि थर्मस इक्वाटिकस एक बैक्टीरिया होता है, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैम वहां रेप्लिकेशन में तो बहुत ही नॉर्मल बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे थे, यहाँ क्यों क्यों अलग यूज कर रहे हैं। बेटा इसलिए अलग यूज करते हैं क्योंकि ये जो पॉलीमरेज है ना, ये हाई टेम्परेचर पे भी विदस्टैंड कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ हाई टेम्परेचर देते हैं क्या, बिल्कुल देते हैं,
जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसको सिंगल स्टैंड करने के लिए पहला स्टेप डीनेचुरेशन हम हाई टेम्परेचर देके ही करते हैं। डीएनए को डीनेचर करना हो, मोल बायो में पढ़ाया था, तो टेम्परेचर दे दो, वापस से वो रीनेचर भी हो सकता है अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएं। प्रोटीन्स के पास ये खासियत नहीं होती, डीएनए के पास होती है। समझ में आया, क्लियर है? तो उस टेम्परेचर को झेल पाए इसलिए हम जो पॉलीमरेज यूज कर सकते हैं वो टैक करते हैं, जो टैक पॉलीमरेज होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया दैट इज थर्मोसिफेटिकस। नाम में ही है थर्मस, केमिस्ट्री में बोलते हैं ना थर्मल वर्ड, वहां से आया टेम्परेचर। थर्मल वर्ड इज द रिलेटेड विद टेम्परेचर। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ और इसके बेसिक से डायग्राम में गलती ना हो, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैंने आपको वहां डायग्राम के थ्रू बताई है, ठीक है? तो नहीं अगर समझ में आया हो तो वहां पर देख लेना, ओके? चलो अरे भाई मैथ के स्टूडेंट क्यों यहाँ बैठे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मैथ्स पढ़ो ना, एग्जाम ही नहीं है आपका क्या अगले महीने, मैथ के बच्चे भी बैठे हैं बताओ। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे, एनसीईआरटी भी पढ़ लेना कि क्या चीज है, सारी चीजें वही मिलेगी आपको, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है इसलिए मैं इसको समझा बता भी नहीं रही हूँ, बट एक बार आप रीड करोगे बच्चे, मैं जितना होमवर्क देती हूँ उसको करके आया करो, नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है, मैं सिर्फ आपको यहाँ बोल सकती हूँ। अब बैच तो चल नहीं रही है ये, है ना, मैं तो नॉर्मली वाईटी पे पढ़ा रही हूँ, हम बैच चल रही है, अब जो बैच की बात कर रही हूँ मैं, जीरो टू हीरो जो चल रही है उसमें तो टीचर्स पीछे पड़ रहे, सर मैं मेरी बात करूँ, सेम सचिन सर भी अभिषेक सर बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं एकदम, भाई ये होमवर्क दिया था क्यों नहीं किया, और ऐसा नहीं है एक बच्चे दो बच्चे टॉपर को सिलेक्ट कर लिया, हर एक बच्चे जो भी जितने भी बच्चे इनरोल हैं सारे बच्चों के, क्योंकि एक सिलेक्टेड स्ट्रेंथ ही रखते हैं हम, ठीक है? वही बच्चे जो जुड़े हमारे साथ जो वाकई अचीव करना चाहते हैं गोल को, जो वाकई 70 out of 70 लाना चाहते हैं और आपके प्रैक्टिकल्स मार्क्स भी सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है? तो वहां तो बच्चों के पीछे पढ़ के काम कराया जाता है, अब आप वैसे यहाँ पढ़ रहे हो तो बच्चे तो हो नहीं भाई, 12th class में हो, खुद का काम करना जानते हो ना, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ जुड़ जाओ साथ में, एक महीना अभी भी बचा है, ठीक है? तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है अपन को। चलो दूसरी डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या, यूज ऑफ पीसीआर बेटा, वही सेम वही चीज है जो आपको मैंने पढ़ाया था उधर, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है? चलो एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है? इसका जो प्रिंसिपल होता है ना वो क्या होता है बेटा, एंटीजेन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। क्या है मैम ये दो इतने भारी भारी वर्ड क्या बोल दिया आपने बेटा? एंटीजेन और एंटीबॉडी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो आपका मान लो ये कोई पैथोजेन है ना, मान लो कोई बैक्टीरिया, जैसे अगर अभी देखो आपने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा था ना, ये है ना इसी तरह से तो स्ट्रक्चर देखा था कोरोना वायरस का, ये देखा था ना आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, तो इस पे ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं ये स्पाइक्स काय के थे, ये स्पाइक्स थे आपके ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, किसके थे बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, यही तो था, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, ये हमारी बॉडी को जाके इन्फेक्ट कर रहा था, ये हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ना, ये कौन बच्चा बनेगा, ये बॉडी किसकी है? चलो एक बताइए क्या नाम ले लेते हैं, हर्षित, हर्षित, हर्षित मेरे भाई का भी नाम है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? भाई भाई क्या करते हैं, हमेशा चिढ़ाते रहते हैं बहनों को, तो उसी के नाम, चलो ठीक है, ये बॉडी किसकी है बेटा, एकदम हर्षित की, ठीक है? तो मान लो ये इनकी बॉडी है, ठीक है? अब अगर आप देखो ये अपने इम्यून सिस्टम को कैसे जगाते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में, ये क्या करेंगे, जैसे ही फॉरेन रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक है? तो ये जैसे ही एंटर करे इसमें, तो अभी आप क्या करोगे, ये बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है? रिस्पॉन्स मतलब इसका इम्यून सिस्टम जग जाएगा, जागो बेटा जागो, आपको भी ऐसे ही जागना है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो एक सब्सटेंस रिलीज करेगा, इसको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज, क्या बोलोगे बच्चों, एंटीबॉडीज, यही एंटीबॉडीज और एंटीजन इंटरेक्शन होता है। एंटीजन क्या है, एक क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम ये जाएगा जैसी बॉडी में, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा और एंटीबॉडी रिलीज होगी, एक इंट्रैक्शन बनेगा किसके बीच में, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीबॉडीज इनको किल करने लगेंगी, ठीक है? अगर आपकी बॉडी में सफिशियंट मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं है, माइक्रोब्स या फिर जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनका एक्सपोजर ज्यादा हो गया, तो आपको डिजीज हो जाती है इन्फेक्शन, फिर डिजीज इन्फेक्शन जो होता है वो पहला स्टेज होता है, बाद में डिजीज होती है, यही तो होता है ना।
आपका इम्यून सिस्टम फर्दर बहुत स्ट्रांग नहीं, एक्टिव नहीं हो पाया टाइम पे, तो भी हो जाएगी डिजीज। तो ये होता है एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन। तो एंटीजन एक तरह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर है, एंटीबॉडी उनको एक्टिवेट होके इम्यून सिस्टम फर्दर एक चीज निकालता है जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो किल करते हैं। सफिशियंट नहीं होती है तो हम उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए बाहर से टैबलेट लेते हैं जिसको आप बोलते हो एंटीबायोटिक्स, है ना, बोलते नहीं डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी लिख देना, थोड़ी इन्फेक्शन हो रहा है एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, क्लियर। तो ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एलिसा जो आपका प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे। क्लियर हो गया ना बेसिकली, अगर आप मान के चले तो ये देखो कैंसर ट्रीटमेंट में, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। तो क्या है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, बता दिया, हम इसको पढ़ेंगे वहां डिटेल में उसके साथ पूरे एक डायग्राम के थ्रू, जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ाऊंगी उसमें कैंसर में, कैंसर ट्रीटमेंट में एलिसा लगता है, हम वहां इसको पढ़ेंगे, वहां पर भी ये चीज बताई गई है, ठीक है। अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, क्लियर है। चलो बेटा देखें, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स। मैंने बोला ना यहाँ पर ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनको ही करेंगे, है ना, समझ में आया ना, ग्लाइकोकेलिक्स की जो बात करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो, और वे डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, क्लियर। इतनी ही चीज थी चैप्टर में समझने के लिए, अगेन सुन लो, एग्रीकल्चर आपका टबैको प्लांट कॉटन प्लांट, मेडिसिन में आपका क्या पढ़ा आपने, इंसुलिन पढ़ा और आपने जीन थेरेपी पढ़ी, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक में आपने एलिसा और पीसीआर पढ़ा, पीसीआर तो आप पढ़ चुके हो, एलिसा थोड़ा सा आपने देख लिया, प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन एमसीक्यू में पूछते हैं प्रिंसिपल ऑफ एलिसा या फुल फॉर्म ऑफ एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम जब कैंसर पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये लास्ट में कुछ आपके ऐसी हेडिंग्स हैं, ध्यान दो इनको, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स अभी देखा हमने क्या पढ़ा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या हैं, वो एक तरह से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। अब हम यहाँ एनिमल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यही क्लियर हो गया आपको चीजें, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। एनिमल्स के रिस्पेक्ट में देखें, एनसीईआरटी से रीड कर लेना बेटा, ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं सारे, जो इतना पैरा में लिखा है जिसको बच्चे पढ़ने से डरते हैं छोड़ देते हैं, तो अब छोड़ना नहीं, आप इसको रीड कर लेना, समझो ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स है आपकी, क्लियर। दीज आर द एनिमल्स whose जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन, जो मैंने आपको जीएमओ में बताया, क्लियर। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक रैट्स रैबिट्स पिग्स शीप्स काउस पिग्स, सारे ये क्या है, ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। माइस अब देखते ना, जनरली ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ाया था ना आपको, वहां पर भी हमने माइस यूज किया था, हमें जनरली जो भी प्रैक्टिकल यूज करना, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स या ऐसे ये जो यूज करने होते हैं ना, माइस पे यूज कर देते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट को करना हो चूहों पे, समझ में आया। चलो अब इन्हीं पर रेज होगा इथिकल इशू, देखो कहाँ गया ये, ठीक है। अब देखो ये आपका कुछ थ्योरी है बेटा, बेनिफिट ऑफ, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। आप जीएमओ के बेनिफिट पढ़ाए ना मैंने अच्छे से, उसी के रिगार्डिंग, उसी के रिस्पेक्ट में आपको ये भी मिल जाएगा बेनिफिट ऑफ। इसको आप एक बार रीड करोगे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, बस एक बार रीड करना इसको। सेम आप इधर आओ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो, जैसे सम मेडिसिन कंटेन एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था ना, कोई भी जीन ऐसा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर प्रोटीन, प्रोटीन आगे जाके फर्दर एक प्रोडक्ट ही दे रहा है, उसको कोड कर रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें सिर्फ एग्जाम्पल याद करना, जैसे ह्यूमन प्रोटीन A1 एंटीट्रिप्सिन किस चीज के लिए यूज होता है बेटा, एम्फिसिमा, ठीक है, यूज टू ट्रीट एम्फिसिमा, प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकेटोन्यूरिया PKU आप पढ़ोगे इसमें, जेनेटिक्स में इसको मैं पढ़ाऊंगी PKU के बारे में। सिस्टिक फिब्रियोसिस, सिस्टिक फिब्रियोसिस क्या है बेटा, सिस्ट क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ सेल्स को ही हम बोल देते हैं सिस्ट, ठीक है, जनरली फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, उनके यूट्रस में इंफेक्शन, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका दूसरा है 1970, पहला क्या मिला आपको, पहला प्रोडक्ट ये मिला, दूसरा प्रोडक्ट ये मिला, किसको ट्रीट कर रहा है, एम्फिसिमा को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को।
दो चीजें मिल गई ना हमें। 1977 में रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इंजरेस्ट मिल्क, जिसमें बेटा नॉर्मल से ज्यादा है। तो एक काउ जिसमें कितना प्रोटीन है आपका 22.4 ग्राम प्रोटीन एक लीटर पे, इसको इसको क्या बोलते हैं रोजी। ऐसे आप एक जब आप स्ट्रेटजीज पढ़ते हैं अगर पढ़ते तो जर्सी काउ के बारे में देखते हैं और भी चीजें मैं बताती हूँ, बट ठीक है नहीं है, वैसे भी बहुत जरूरी चैप्टर नहीं था वो। क्लियर? ठीक है, क्या कह रहे हो, अलग ही दुनिया में चल रहे हो आप लोग तो। देखो बेटा ध्यान दो इधर, है ना। चलो देखें, इट कंटेन्स द ह्यूमन लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड इज लैक्टो शुगर, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, हो गया ना, प्रोटीन शुगर दोनों मिल रहा है। न्यूट्रिशनल मोर बैलेंस प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बेबी, इस तरह से आप पढ़ो आपको और भी दिखेंगे सारे। तो अभी तीन मैंने बता दिया, पोलियो के लिए वैक्सीन भी यहीं से बनी है, तो ध्यान रखना ये एग्जाम्पल से एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू तो कहीं से भी बन सकता है, तो अपन को देखना है। और ये देख कैसे पाते हो, जब शॉर्ट नोट्स है, ये तो मैंने ऐसे पैरा में लिखा है, आप जब पढ़ोगे हमारे साथ बैचेस में तो बच्चों को एक डिस्क्राइब नोट्स भी मिलती है, जिसमें जैसे मैं डिस्क्राइब जो कर रही हूँ उस तरह से भी चीजें लिखी होगी, और एक पॉइंट टू पॉइंट जैसे भी ये पैरा है ना, इसमें अपन को क्या क्या देखना है हाईलाइटेड पॉइंट्स, तो उस तरह से एक समझ लो फ्लैश कार्ड की तरह समझ लो, वो भी मिलता है उनको। तो शॉर्ट नोट्स ही होती है, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है, लेकिन मिलेगा तभी जब आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ोगे ना, यहाँ हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो आप, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है, इस पे भी ये भी किस पे होता है बेटा आपका, आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे, कि भाई कैसे केमिकल टेस्टिंग करते हैं बाय यूजिंग आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। लास्ट पॉइंट है आपका लास्ट क्या लास्ट सेकंड पॉइंट समझ लो, एथिकल इशू। अब एथिकल इशू क्या है, आप तो पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जीएसी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कम्युनिटी, इनका क्या कंसर्न है कि भाई देखो कंसर्न रेस कहां से हुआ, हम जानवरों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज ही तो कर रहे हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, तो इस पे इमोशनल सोशल इथिकल रिलीजियस सारी तरह के इशू होते हैं। बट इसको ऐसे सॉल्व कैसे किया गया कि भाई हम लैब में इनको ग्रो करा रहे हैं, आपका एक जो चीज होती है कि भाई हम क्रिएटर हैं, जो क्रिएटर है वो डिस्ट्रॉय करता है, गॉड ने क्रिएट किया तो गॉड ही डिस्ट्रॉय करेगा, तो अब इसको कैसे बोल के रोक दिया गया, जो हायर रिसर्च लैब यूज कर रहे हैं इस चीज को, कि भाई लैब में आपने चीजें क्रिएट करी, सेल ग्रो करी, उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, हमने क्रिएट किया था, तो हम इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए डिस्ट्रॉय किया, एक तरह से टेस्टिंग ही कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर ये, तो ये बोला। लेकिन मेरा ये पर्सनली कहना है कि भाई व्हाट अबाउट द प्रोटीन, व्हाट अबाउट द ऑल मॉलिक्यूलर एनालॉजीज एंड व्हाट अबाउट द प्रोसेस, आपने तो सेल फ्यूज करा दी, उस वो फ्यूज कैसे हो रही है, उसके पीछे की जो जितनी प्रोसेस जो आपको पता है बच्चों, वो तो एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है ना, तो इस तरह से चीजों को कह के शांत करा दिया कि भाई हमने क्रिएट किया क्या, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब रही बात नहीं होना चाहिए तो फिर साइंस कैसे डेवलप करेगी, ये तो हमारी पर्सनल नीड है कि हम चीजों को इतने डेवलप करते जा रहे हैं। वैसे आप इंडिविजुअल देखो जितना खैर नहीं बोलते हैं ना ऐसा नेशनली, साइंस के स्टूडेंट होके इतना नहीं बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। तो कहने का मतलब ये कि भाई जितने भी सोशल रिलीजियस इशू आपके राइज हो रहे हैं वो यहीं पर हो रहे हैं, ठीक है, और उसी को सॉल्व करते हैं इथिकल इशू के थ्रू। तो पढ़ना एक बार वही जो चीजें मैंने आपको बोली है सारी चीजें पॉइंट यहाँ लिखा है, इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पढ़ लिया ये ध्यान है, दैट मींस एनसीईआरटी ध्यान है आपको, ठीक है। चलो ये भी पूरे वही पॉइंट है, तो इस पे एक आप पढ़ोगे बायो पेटेंट, उसमें पेटेंसी पढ़ोगे आप, ठीक है, लिखा है नेक्स्ट आपका ये बायोपायरेसी, बायोपायरेसी टर्म लिखा है ना, इसमें आप चीजें पढ़ोगे कि भाई कॉपीराइट जो इशू आता है ना, आप जैसे जनरली देखते हो ना मूवी वूवी में या कोई वीडियोस देख रहे हो, तो किसी और चीज किसी और वीडियो का किसी और चीजों का कॉपी कर लेते हो, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो हमने यहाँ पर भी देखा, जैसे मान लो हमने कोई चीज यूज करी, जैसे यहाँ पर किसका, यहाँ राइस का एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया बेटा, देखो बासमती राइस का दिया है, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम, बासमती राइस हैज अ यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, इंडिया हैज 27 वेराइटीज ऑफ बासमती। इन 1977 हुआ क्या था, An American company got patent rights as basmati rice through the US patent and trademarks. Copyright का issue, इसे बोलते हैं patency, ठीक है, हमारे भी इसमें है, अब वो किसी भी through हो सकती है। ये आपका term किस में raise किया है, biopiracy।
तो इतनी सारी चीजें थी जो आपको पढ़नी है, समझनी है इस टॉपिक में। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है बेटा, अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं इसमें पूछा सबसे ज्यादा क्या जाता है, तो क्या पूछा जाता है देखो इधर। देखो, एक तो ध्यान रखना इंसुलिन, मैंने अलग से इसके लिए एक वीडियो भी आपके लिए बनाया कि क्या क्या पढ़ना है जो स्किप नहीं करना। इस चैप्टर वाइज मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इंसुलिन स्किप, उसका स्ट्रक्चर जो है, डायग्राम पूछते हैं, स्ट्रक्चर स्किप मत करना मत करना। बीटी के रिगार्डिंग, बीटी कॉटन के रिगार्डिंग, बीटी कॉटन के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो स्किप मत करना, ठीक है। जीन थेरेपी कब परमानेंट ट्रीट है, कब परमानेंट ट्रीट नहीं है वो मत करना। सिग्निफिकेंस ऑफ जीएमओ, सिग्निफिकेंस ऑफ जीएमओ, वो ट्रांसजेनिक एनिमल के जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, मतलब कुछ इसके सिग्निफिकेंस दिए ना, जो तीन चार तरह के एंजाइम्स के बारे में बताया और कौन किसको ट्रीट कर रहा है। ट्रांसजेनिक एनिमल का बेटा इंपॉर्टेंस इस पे बनता है एमसीक्यू, तो इसको रेज स्किप मत करिएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है आपका? नहीं, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अलीसा, अलीसा पे पूछ लेते हैं प्रिंसिपल, तो अलीसा का प्रिंसिपल ध्यान रखना। वैसे तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में भी है, बट इसके अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना प्रिंसिपल, ठीक है। इतनी चीजें बिल्कुल स्किप मत करना। बाकी मैंने आपको लाइन टू लाइन एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया है, अब आपके ऊपर है ये चैप्टर, ठीक है। जो मैंने आपको चीजें होमवर्क लिख के भेजा है उसको पढ़ लेना, क्वेश्चंस जो लिखे हैं पढ़ लेना। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस देख रहे हो, इंसुलिन का डायग्राम पे बनता है, एमसीक्यू पे बनता है, पूरे पॉइंट्स लिखने को आ जाते हैं जीएमओ के लिए, तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से करना है। इंसुलिन जीएमओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से लिख लो कॉपी में, आएगा। बीटी, बीटी भी आएगा, ठीक है। अरे भाई लड़ो मत यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ मैंने सारे जितने भी चैप्टर्स आपके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मोल बायो है, बायोटेक के दोनों चैप्टर, मैंने इतनी चीजें आपको करा चुकी हूँ, है ना। अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो समझने वाले चैप्टर्स हैं, एक जेनेटिक्स बचा है बड़ा चैप्टर, उसको भी कराएंगे, तो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो उम्मीद आपसे यही है बेटा कि आप जो है अब अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। सिलेबस कंप्लीट जनवरी में मैं कर दूंगी थ्योरी का, लेकिन क्वेश्चंस के लिए अगर आपको करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि टाइम लिमिटेड है, चीजें बहुत सारी है करने को। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ में आई ना? प्रैक्टिकल्स भी आपके यहीं चलेंगे, तो हर एक चीज समझाएंगे आपको बेसिक से, क्वेश्चंस भी कराएंगे, बाकी सीरीज चली रही है। अब चीजें आपका है भाई, इंटेलिजेंस आपकी है कि आपको कैसे क्या करना है। इवोल्यूशन करा दूंगी बेटा, तुम ही इवॉल्व मत हो जाना बोलते बोलते। अभी मंडे आ रहा है ना आप, अभी ये क्या है, ये क्या है भाई, ये ट्यूसडे है ना, फ्राइडे, फ्राइडे आ रहा है ना, फ्राइडे को इवोल्यूशन ही कराऊंगी, बस खुश हैप्पी। चलो स्माइली भेज दो ना फिर, हैप्पी हो तो। क्लियर है? तो अपन कब मिलेंगे बेटा? फ्राइडे को मिलेंगे, शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, याद रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, और चीजों को अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है? ठीक है, तो जाऊं मैं, इजाजत दें, गुड नाइट बेटा। अभी अपनी गुड नाइट करो, मैम की तो चलो हो रही है हो रही है, वो मेरी बात है, आप अपनी मत करो। अभी तो आपको रिवाइज करना है ना चीजों को, जो भी पढ़ो ना उस दिन उसको शाम को रिवाइज करके ही सोया करो। एक दिन मैं ऐसे ही आऊंगी आपसे बात करने के लिए, है ना। बोलो मैम, आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, आ जाऊंगी, है ना। अपन एक कन्वर्सेशन करेंगे ना, सवाल आपका जवाब मेरा, ठीक है, ये कर लेंगे, सवाल आपका जवाब मेरा, अपन बैठ के सिर्फ बातें करेंगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, और जरूरी भी है भाई। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे पढ़ना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना आके, तो वेट करना उस चीज का भी, अपन से बातें करेंगे, अच्छी अच्छी डाउट्स पूछेंगे, क्लियर है? चलो अब भाग जाओ, सब अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो अपना, पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। फिर से आपको न्यू ईयर की, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, आपके मार्क्स सिक्योर रहे 70 out of 70, और प्रैक्टिकल्स में भी आपके 30 out of 30 मिले ही, ठीक है। चलो अब मिलते हैं फ्राइडे को, बच्चा बोल रहा है इवोल्यूशन तो इवोल्यूशन ही पढ़ेंगे,
थैंक यू सो मच.